हरमीत सिंह जी मिला जी हमारे साथ जुड़ गई है और कह रही है आशा है आप हमें बखूबी रूप से देख और सुन पा रहे हैं कृपया करके चैट के अंदर आप हमें बता दीजिए अगर सब कुछ बढ़िया है और अगर सभी जो कक्ष हैं वो पर्याप्त रूप से तैयार हैं हमें पता है कि हमारे साथ कुछ भाषाएं आज के लिए तैयार है और अंग्रेजी रूसी हिंदी और इटालियन क्या बात है बहुत बढ़िया मुझे लगता है सभी कक्ष तैयार हो गए हैं और अगर आप चैट के अंदर इसकी प्रतिपुष्टि देते हैं तो हम शुरुआत कर सकते हैं सभी को नमस्कार है देवी और सजनो हिंदी कक्ष के अंदर कलीम जी गोविंद जी सभी का स्वागत है बाकी अन्य सभी भागीदारों का स्वागत है कृपया करके हमें बताएं अगर सब बढ़िया है तो हम शुरू करते हैं हम बिल्कुल तैयार हैं बहुत धन्यवाद है आपका और आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इसे हम लोग कहते हैं प्रभावी संचार लेकिन इससे पहले कि हम शुरुआत करें हम अगली स्लाइड पर आ गए हैं सबसे पहले अपना परिचय देते हुए मैं आपको बता दूं उन लोगों के लिए विशेष रूप से जो हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं कृपया जमा का चिन्ह आप चैट में दीजिए अगर आप पहली बार हमारी कंपनी के किसी सत्र को सुन रहे हैं मेरा नाम मिला है मैं पिछले सात वर्षों से इस व्यवसाय में हूँ मैंने कॉर्पोरेट में काफी काम किया है लेकिन मेरी जो जुनून है वो प्रशिक्षण आयोजन करने में है और इस प्रकार के जो सत्र है वो मुझे बेहद पसंद है और मैंने काफी अध्ययन किया है वित्तीय साक्षरता के बारे में और हमें ऐसे परियोजना वर्ल्ड यहाँ आपको मौका मिलता है कि बहुत ही अद्भुत परियोजनाओं के आप ग्राहक बन सकते हैं आप सक्षम हो सकते हैं व्यवसाय और उद्यमिता को अपने लिए निर्माण करने में और इसी वजह से इस प्रशिक्षण का आयोजन हुआ है विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो व्यवसाय का निर्माण करना चाहते हैं और तीसरी बात आप सभी लोग हमारे सहभागी हो सकते हैं सहमालिक हो सकते हैं हमारे सभी परियोजनाओं में और यही जो अवधारणा है इसे मल्टी लेवल क्राउड इन के नाम से जाना जाता है हम लोगों को सशक्त बनाना चाहते हैं हम विश्व में एक बहुत ही अलग से अंतर निर्माण करना चाहते हैं जहाँ पे लोग अपने सभी सपनों को साकार कर पाए जो वो बनना चाहते हैं इस जीवन में वो बन पाए और आखिरकार इसकी जिम्मेदारी तो हमारे अपने हाथों में है और जो भी हम कर रहे हैं इस परियोजना में और जो भी हमारे बाहर है वो सब हमें सकारात्मक रूप से प्रभाव करे और इसी वजह से मैं खुद भी एक अंतरराष्ट्रीय वक्ता हूँ मैंने काफी यात्रा की है विश्व भर में मैंने बहुत सारी कंपनियों और नेताओं की मदद की है विकास करने में और मुझे लगता है कि इसी प्रकार से बहुत सारे और नए लोग हमारे सत्रों में भविष्य में भी जुड़ेंगे जैसे अंग्रेजी कक्ष के अंदर भी मैं बहुत सारे लोगों को देख पा रही हूँ मुझे ये आशा है की आज के प्रशिक्षण का आनंद आप सभी लोग लेंगे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए आखिरकार इसका आयोजन विशेष रूप से आपके लिए ही तो है और आप सभी नेता जो हमारी कंपनी में है उनके साथ मिलके हम ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे और और बेहतर बनेंगे लेकिन एक बार और मैं दोहराना चाहूंगी कि ये जो श्रृंखला है प्रशिक्षण की विशेष रूप से आपके लिए है कि जो नए लोग हैं वो हमारे साथ मिलकर विकास कर सके प्रतिदिन हम नए कौशल को सीखेंगे और जब भी आप इन पांचों कौशलों को एक साथ जुड़ेंगे तो आप बकायदा देख पाएंगे कि कितना खूबसूरती से आपके ये जो मैद्या की यात्रा है ये कैसे इसका विकास हो सकता है और कैसे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं तो हमारे पास बहुत कुछ है आपको प्रस्ताव में उपहार स्वरूप देने के लिए अगली स्लाइड पर आ गए हैं हम और अस्वीकरण के बारे में में हम चर्चा करना चाहते हैं कि आप में से वो सभी लोग जो आज हमारे साथ हैं आपको बताते विशेष रूप से ये जो प्रशिक्षण है ये किसी भी प्रकार से आपको कोई भी कानूनी वित्तीय सलाह या अन्य सलाह नहीं देता है और ये केवल आपकी जानकारी के लिए ही है या आपके ऊपर है कि किस प्रकार से आप इसका उपयोग करते हैं किस स्थिति में इसका उपयोग करते हैं लेकिन मैं अपने अनुभव से आपको क्या कह सकती हूँ मैं ये बता सकती हूँ कि इस प्रकार के प्रशिक्षण में मैं कई सालों से जुड़ी हुई हूँ जैसे मेरी पहली जो प्रशिक्षण था वो एम एल सी आया था उस समय इसका नाम कुछ और था लेकिन इसके पीछे जो विचारधारा है ये वो इसी प्रकार से सामान्य थी जहाँ हम नए लोगों को मौका देते हैं कि वो अपने व्यवसाय का निर्माण कर सके मैं शुरुआती समय में खुद भी संशयवादी थी और मुझे कुछ भी नहीं पता था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और मेरे लिए ये सब ऐसा था जिसे शायद मैं अपने लिए नहीं समझती थी पर मैं फिर भी जिज्ञासु थी और मैं ये सोचती थी इस प्रशिक्षण से मुझे क्या मिल सकता है मेरी सेल्स और मार्केटिंग में बहुत बड़ा अनुभव है और मेरा लोगों के साथ एक सार्वजनिक संबंध बनाने का बहुत अच्छा अनुभव है तो आप अगर उद्यमी बनना चाहते हैं उसके लिए आपको अपने सपनों का साकार करना बहुत जरूरी है लेकिन कहीं ना कहीं आप इस चीज को लेकर सुनिश्चित नहीं होते कि जो एमएलएम है या नेटवर्क मार्केटिंग है वो क्या मेरे लिए ही बना है ऐसा मेरी भी सोच थी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यही वो ऐसा उद्योग है जहां पर हम हम तभी विकास कर सकते हैं हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं। जैसे पारंपरिक बिक्री के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं सेल्स की जो क्षेत्र है उसके अंदर 12-14 घंटे कार्य करती थी और मुझे ये पता था कि मैं जितना समय इसमें लगाऊंगी उतना धन ही मैं कमा पाऊंगी और यही वो जगह है जहां पे मुझे अंतर महसूस हुआ एम एल सी के अंदर बहुत ही खूबसूरत हमारे पास एक ऐसी अवधारणा है जहां आप जब अन्य लोगों की सहायता करते हैं सफल होने में अगर आप खुद सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अन्यों की सहायता करनी ही होगी और आप किसी और पे निर्भर नहीं होते इसके अंदर आप खुद अपनी जिम्मेदारी से अपने व्यवसाय और संरचना का निर्माण करते हैं आप ही मालिक होते हैं आप ही निर्णय लेते हैं कि मुझे कितना समय और कितने घंटे यहाँ लगाने हैं और जो भी मैं करने वाला हूँ वैश्विक रूप से उसमें आपको ये निर्णय लेना होता है कि मेरे को कितना धन अपने लिए कमाना है कितने घंटे में इसमें लगाऊ और उसी अनुसार आप क्या बन जाते हैं अपने समय के खुद मालिक बन जाते हैं और यही वो समय था जहां मैंने ये समझना शुरू किया कि कैसे प्रभावी रूप से अन्यों की मैं सहायता करूं ताकि खुद सफल हो सकूं अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इस भावना से आपको आप बीती महसूस होती है तो चैट के अंदर जरूर आप जमा कर दीजिए ये एक ऐसा अभाव एक, एक ऐसा आभास था मेरे को कि ये लोगों के बारे में है ये जो उद्योग है लेकिन फिर भी आप वो व्यक्ति बनते हैं जो अपनी भाग्य के मालिक होते हैं आप ही निर्माण कर सकते हैं आप ही प्रेरित कर सकते हैं आप ही मूल्य को जोड़ सकते हैं और यह केवल आप पे निर्भर करता है कि क्या आप सफल होंगे या नहीं लेकिन इस व्यवसाय में हम अन्यों की सहायता करते हैं और हम अपनी मदद का हाथ हर उस व्यक्ति को देते हैं जो उसके लिए भूखा है चलते हैं अगली स्लाइड पर मुझे आशा है कि कल का जो सत्र था सपनों को लेके लक्ष्यों को लेके वाकई में उसने आपको उत्साहित कर दिया होगा कृपया करके एक से लेके दस तक की गणना में आप हमें बताए जहाँ एक का मतलब है, हाँ ये ठीक ठाक था और दस का मतलब वाकई में ये काबिल तारीफ था मजा आ गया और अगर आपको आनंद आया है उस सत्र से तो जरूर आप हमें चैट के अंदर अपने बारे में अपनी प्रतिक्रिया के बारे में बताएं बहुत ही बेहतरीन हमें देखने को मिल रहा है अंग्रेजी कक्ष में और साथ ही हिंदी कक्ष में भी हमें दस नंबर देखने को मिल रहा है वाह क्या बात है? मैं, आ, एक ऐसे व्यक्ति को पूछना चाहता हूँ या किसी किसी भी अन्य कक्ष में अगर कोई ऐसा आ, व्यक्ति है जो अपने कैमरा को खोल कर इसके बारे में हमें बता सके जो भी आप स्क्रीन में देख रहे हैं उसके बारे में अगर आप साझा करना चाहें कुछ जो सवाल है इसका अगर आप उत्तर देना चाहें तो जरूर आप सामने आए आपको यहाँ पे ये बताना है कि क्या आपने अन्य लोगों को भी आप मदद करिए कि वो कर सके तो मैं जैसे शेरॉन का हाथ आ, उठते हुए देख रही हूँ तो कृपया करके शेरॉन को आप सक्रिय बनाए ताकि वो अपने माइक को ऑन करें कैमरा को ऑन करें और अपना जो अनुभव है इन चारों बिंदुओं को लेके जो स्लाइड पे लिखा है उसके बारे में हमें बताए शेरॉन की आवाज में कुछ त्रुटि है शायद इंटरनेट समस्या के कारण हम शैरन को सुन नहीं पा रहे हैं हाँ जी अब हम शेरॉन को सुन पा रहे हैं सभी को नमस्कार आ, मुझे ऐसी आशा नहीं थी कि मैं कैमरा पे आ जाऊंगी तो मैं इस समय अपने घर में आराम से बैठी थी आ इस वजह से ऐसी दिख रही हूँ धन्यवाद है मिला आपका और मैं वाकई में बहुत ही उत्साहित और रोमांचित इस प्रशिक्षण को लेके मगर मुझे लगता है आप प्रत्येक वर्ष जब भी हम इस प्रकार के प्रशिक्षण से गुजरते हैं तो यह हमारे लिए एक ताजकी का अनुभव होता है जहाँ आपको अपने मिशन और विशन के बारे में दोबारा से पता चलता है आपके मन में वो गढ़ हो जाता है और जैसे-जैसे चीजों में परिवर्तन हो रहा है समय पर परिवर्तन हो रहा है तो हम अपने सपनों और लक्ष्यों के ऊपर भी लगातार काम करते हैं और लगातार नई चीजों का निर्माण करते हैं और यही इसी वजह से मुझे समुदाय से बेहद प्रेम है अगर आप नहीं जानते मुझे तो मेरा नाम शेरॉन है और मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं मैं कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हूं और साथ ही टॉप लीडर हूं ऑस्ट्रेलिया में मैं हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व करती हूँ सभी लोगों की मदद करती हूँ कि वो अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सके और इसके लिए हम सभी प्रकार के समाधानों को ढूंढते हैं कि किस प्रकार से चीजों में हम गति बढ़ाते हुए लगातार तीव्र गति से अपनी मंजिल की ओर बढ़ सके तो मेरा जो ग्रह कार्य था जिसको मैंने किया है मैंने जो ड्रीम बोर्ड है उसके उसको तो कई बार अभी तक कर चुकी हूँ मैं लेकिन एक चीज जो मैं करना चाहती थी आ, वो ये थी कि मैं अपने आप को पत्र लिखूं तो क्या मैं उस पत्र को पढूं या मैं इसको अपने लिए निजी रूप से रखूं क्या इसको मैं साझा कर सकती हूं आ, तो मिला जी कह रही हैं कि मैं आपका जो कनेक्शन है वो आ, मेरे यहाँ से हट गया था तो आप पढ़ सकते हैं अपने पत्र को अगर आप चाहें तो आ, तो ये मेरे ड्राफ्ट में है और मैंने मैं यहाँ पर इससे पहली बारी पढ़ रही हूँ तो मेरा जो पत्र है अपने लिए कि मैं आने वाले पांच सालों में कौन होने वाली हूँ तो ये जो शेरन है उसने अपनी सभी दुविधाओं को पार कर लिया है चुनौतियों को पार कर लिया है और आप एक और मैं एक बहुत ही समझदार व्यक्ति हूं। मैं अपने आप को बधाई देती हूँ कि मैंने अपने सभी मंजिलों और पढ़ावों और लक्ष्यों को पूरा कर लिया है ये खूब बहुत ही मजा आता है देख के कि आपने अपने पूरे परिवार का सहयोग दिया आप उसका समर्थन करते हैं और आप आखिरकार पूर्ण रूप से आप स्वतंत्रता से जीवन को जी रही हैं तो ये जो ये जो मैंने अपनी टीम का निर्माण किया है उसकी मैं लगातार मदद करती हूँ और इसी के साथ मैं सफलता की ओर आगे बढ़ती हूँ और अपने आप को शाबाशी देती हूँ और मेरे लिए नया समय आया है और ये नया समय मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ और जो भी हो रहा है मेरे लिए हर सर्वोत्तम में हो रहा है और मेरा जो शरीर है वो 25 वर्ष की महिला समान जवान युवा और स्वस्थ दिखाई देता है मेरी त्वचा आंखें एक सुपर मॉडल से कम नहीं है और मैं बेहद खुश हूँ कि मैंने अपनी खूबसूरती को अभी तक बनाए रखा है मेरा जो परिवार है उसके आ, संख्या में भी वृद्धि हुई है ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं जहाँ पहुंच गई हूँ मेरे लिए बहुत ही मजे की बात है मेरे बच्चे नाते पोते मैं उन सभी से घिरी हुई हूँ और सभी मेरी सराहना करते हैं और करते रहेंगे पीढ़ियों दर पीढ़ियों और मैं आपका जो मेरा जो नाम है वो इतिहास के सुनहरे पन्नों में गढ़ा जाएगा और मैं जिस प्रकार से मानवता का समर्थन करती हूँ मेरी मिसाल दी जाएगी सभी चारों तरफ दुनिया में उसका डंका बच जाएगा वाह क्या बात है शेरान क्या बात है बहुत ही बेहतरीन पत्र आपने लिखा है और धन्यवाद आपका कि आपने इसको तो सभी के साथ साझा किया है कृपया करके आप चैट के अंदर हमें जरूर बताएं अगर आपको भी शहरों का ये जो पत्र है पसंद आया है तो आपको बहुत ही हमें हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और मैंने सच बोलू तो जो भी आपने कहा है ना उसकी मैंने कल्पना में अभी अपने आ, मैंने कल्पनात्मक रूप से मैंने उसे होते हुए देखा तो मेरे लिए ऐसा था जैसे फिल्म फिल्म चल रही है और उस में बहुत ही ऊर्जा थी सकारात्मक ऊर्जा और मुझे लगता है कि इसका अनुवाद सभी भाषाओं में बखूबी रूप से हुआ होगा और ये भावनाओं ने सभी को रोमांचित कर दिया होगा धन्यवाद है आपका मिला और सच बोलू तो मैं अपने केंद्र के साथ जुड़ पाई और मैंने ये सोचा कि कैसे मैं दूसरे प्रशिक्षण के साथ जुड़ पाऊंगी मैं तो बहुत व्यस्त हूँ पर फिर मैंने सोचा कि मुझे प्राथमिकता देना होगा मैं अपने कैलेंडर के अंदर आ, किसी तरीके से चीजों को आगे पीछे करूंगी क्योंकि ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जो आर्मंड ने कहा था उसको याद करते हुए मैंने इस पत्र को लिखा मुझे बेहद खुशी है कि जो मन की भावनाएं थी मैं उसे और कलम के माध्यम से कागज पे उतार पाई और जानते हैं कई बार आपको ना इसे लिखना बहुत जरूरी है जब आप लिखते हैं ना तो आपको उसकी भावना को महसूस करना भी बहुत जरूरी है आप जब लिखते हैं उसे महसूस करें उसमें उससे प्रेरित हो तभी तो अपने मजा और आनंददायक आजीवन का सही कह रही है आप क्या बात है और आखिरी सवाल मेरा ये है आप अन्य लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे हो सकता है कि उन्होंने अभी तक पत्र को लिखना शुरू नहीं किया है तो आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगी मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर अभी आप तक आपने अपने ड्रीम बोर्ड को नहीं लिखा है तो इसे आप सबसे पहले कर दीजिए और दोबारा से सपना देखना शुरू करें मुझे भी यह बहुत पसंद है और इसको करने के लिए मैं खुद भी बहुत प्रेरित महसूस होती हूँ महसूस करती हूँ आप याद रखें कि आप रचनात्मक रूप से अपने जीवन के स्वयं निर्माता है जो भी आप कहते हैं जो भी आप लिखते हैं वो एक तरीके से उसमें निर्माण की शक्ति होती है और आपके पास पूरी शक्ति है कि आप अपने सपनों के जीवन को साकार कर सके उसे हासिल कर सके एक बार जो आप चाहते हैं उसे आप पूरा करने की पूरी शक्ति रखते हैं तो बस उसे कर दिखाई निर्णय ले लीजिए और जो कुछ भी हो रहा है आपके जीवन में चाहे कितना ही दबदपा आपके आसपास क्यों ना हो उसके बावजूद आपको थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना बहुत जरूरी है और जैसे कि कि हमेशा कहते थे कि आपको जब भी कोई पूछा आप कैसे हैं तो बोले बेहतर और बेहतर तो इसी प्रकार से आपको अपने जीवन को भी बेहतर बनाना है बहुत धन्यवाद है आपका शेरवान बाप क्या बात है मजा आ गया कितना खूबसूरत पत्र आपने स्वयं को लिखा आपने अपने वाह वाह के सभी लम्हों के बारे में भी हमें पता है और मुझे लगता है आप आपको देखकर मुझे भी लगा कि ये मंच मैं आपको दे दूं और मैं खुद एक प्रतिभागी बन जाऊं क्योंकि का बहुत बड़ा समर्थन है इस समुदाय को और बहुत धन्यवाद है मेरे दिल के तहे कोने से से गहराइयों मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी आखिरकार आप जैसे ही वो लोग हैं जिनकी वजह से हम अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण और उपकरणों का निर्माण करते हैं जिसके माध्यम से हम हमारे मिशन के और करीब पहुंचते जाते हैं तो आपको बहुत सारी बधाई बहुत सारा आपका अभिनंदन हमें आशा है कि जो भी आपने कथन लिखा है वो आपके लिए वास्तविकता का रूप जल्द से जल्द धारण कर ले बहुत धन्यवाद है आपका मिला धन्यवाद है आपका शरण आपसे दोबारा भेट होगी देखा आप सबने कितना मजेदार था ये कृपया करके जमा कर चेना आप मुझे चैट में दीजिए अगर आपको भी लगता है कि हाँ ये बहुत ही जबरदस्त था और आ, इसी प्रकार से हमें थोड़ा सा समय एक दूसरे के लिए निकालना चाहिए कि हम अपने आप को फीडबैक दे सके एक अपने आहा मोमेंट जो है यानी वाह भाई के जो क्षण है उनको याद रखें तो आप जब लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं वो लोग जो आपके साथ मिलके अपनी भावनाओं को साझा करते हैं तो वो बहुत ही मजेदार होता है तो ये बहुत ही अच्छा था कि हमने शेरॉन से चर्चा की अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं तो आज की जो हमारी कार्यसूची है वो ये है कि हम संचार की बुनियादी बातों को समझे हम कभी ना खत्म होने वाली ग्राहक सूची के बारे में जाने हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम आ, एक सबसे ज्यादा अधिकतम प्रभाव के लिए अपना संदेश को कैसे तैयार करें क्योंकि आप जब किसी ग्राहक से बात करते हैं तो आपके जो सुनने की कौशल है और संदेश बनाना है ये भी बहुत जरूरी है इस कौशल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए साथ ही हम आपत्तियों को कैसे संभालना और प्रश्नों का उत्तर देना हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ ही भूमिका निभाने वाले परिदृश्य और प्रतिक्रियाओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे इसे ऑनलाइन आप समूह में कर सकते हैं या गृह कार्य में कर सकते हैं तो अब हम हमारे पहले विषय की ओर चलते हैं जिसका नाम है संचार की बुनियादी बातें तो जो संचार है वो दो मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है वो मौखिक संवाद हो सकता है और गैर मौखिक संवाद हो सकता है जैसे कि जिम रॉन जी ने कहा है प्रभावित संचार बीस प्रतिशत यह है जिसे आप जानते हैं और 80 प्रतिशत जो आप नहीं जानते हैं उसके बारे में आप कैसे महसूस करते हैं ये उसके बारे में है तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो संचार है वो केवल शब्दों के बारे में नहीं है बल्कि उसकी और गहराई से तालुकात रखता है तो हमें ये समझने की जरूरत है कि कौन से दो मुख्य पहलू हैं। सबसे पहला है मौखिक संवाद ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उपयोग हम दैनिक रूप से करते हैं इसका मतलब कि हम इसे स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा में हम इसका उपयोग करते हैं हम लोग हमारी जो लहजा है ध्वनि का आवाज का हम उसको भी उसी हिसाब से रखते हैं या तो धीमी ध्वनि से बात करते हैं या हम उत्साह के साथ बात करते हैं और साथ ही हम जो हमारी आवाज का लहजा है और स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा है उसके बारे में चर्चा करते हैं और साथ ही हम पेसिंग और पे भी ध्यान देते हैं कि कितना तेज हम बोल सकते हैं कितना धीमे हम बोल सकते हैं है, कैसे हम फुस फुसा सकते हैं तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारा संदेश किस प्रकार से है तो हम किसी भी प्रकार की भूमिका को निभा सकते हैं विशेष रूप से जब हम हमारे सभी संभावित ग्राहकों से चर्चा करते हैं अपने भाई बहनों से चर्चा करते हैं अपने माता पिता से चर्चा करते हैं तो हमारा एक अपना तरीका होता है संचार का जो कि हमें अनूठा बनाता है लेकिन ये जो संचार की प्रणाली है ये केवल शब्दों पे आके रुकता नहीं है और ये जो है ये मौखिक संचार तो होता ही है साथ गैर मौखिक भी होता है तो उसके अंदर आपका शरीर की तो क्या भाषा है क्या आप बात करते हुए मुस्कुरा रहे हैं या नहीं आंखों में देख रहे हैं या नहीं क्या आप आपके जो चेहरे के भाव है उसमें आप क्या सर को हिला रहे हैं या नहीं तो किस प्रकार से आप चर्चा करते हैं वो भी जरूरी है और साथ ही जो आपके हाथ है ना, मेरे को हाथों का को घुमाना बहुत पसंद है आप में से वो सभी लोग जिन्होंने मुझे लाइव सम्मेलन में देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैं बहुत तरीके से अपने हाथों को हिलाते हुए बात करती हूँ और ये भी मेरे जो शरीर की भाषा है ये उसका उस उसका एक है कैसे आप दूसरे लोगों के सामने अपने आप को खड़ा करते हैं तो आपका जो शरीर है आपके चेहरे के भाव क्या है वो बहुत जरूरी होता है तो ये दर्शाता है जब लोग आपको बाहर से देखते हैं जैसे अगर हम हमारे ध्वनि को बिल्कुल मैं धीरे कर लू अपनी ध्वनि को तो आप, क्या देखेंगे? आप केवल मेरे शरीर की भाषा ही तो देखेंगे या चेहरे के भाव ही तो देखेंगे तो इस तरह से जो मौखिक संचार है आप उसको बिल्कुल हटा सकते हैं और केवल अपने अः अपने अवचेतन अप मन के अब चेतन मन का इस्तेमाल करते हुए आप समझ सकते हैं कि सामने वाला क्या कहने वाला है केवल उसके शरीर की भाषा से कृपया जमा का चिन्ह आप मुझे चैट में दीजिए अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं जैसे आप YouTube वीडियो को चालू करें और उसकी वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दीजिए और फिर जैसे वो अपने शरीर की भाषा से आपसे बात करेगा आप उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या ये जो बोल रहा है मुझे सुनने का मन है या नहीं या ये क्या बढ़िया बात कह रहा है या नहीं या कुछ कुछ हद तक आप उस व्यक्ति की बातों को समझ भी जाएंगे तो ये जो मौखिक संचार है उसकी हर बार जरूरत नहीं होती और गैर मौखिक रूप से भी आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं तो हो सकता है कि हम अलग अलग स्लाइड्स आपको दिखा के जैसे आपसे संचार करते हैं या कोई भी सामग्री हम आपको प्रदान करते हैं जिससे हम अपनी बात आप तक पहुंचा सके तो मेरा सवाल इस समय आपसे ये है कि इनमें से आपको कौन सा लगता है वो बिंदु है जो कि महत्वपूर्ण है जिससे हम एक सफल व्यवसाय का निर्माण कर सकते हैं मौखिक संचार जरूरी है या गैर मौखिक संचार जरूरी है एम एल सी आई निर्माण करने के लिए या किसी भी अन्य व्यवसाय निर्माण करने के लिए आपको क्या लगता है इन दोनों संचार में से कौन सा जरूरी है तो कुछ हमें उत्तर मिल रहे हैं अंग्रेजी कक्ष के अंदर लोग बोल रहे हैं कि मौखिक और गैर मौखिक दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है सफल व्यवसाय के लिए जी हाँ तो हमारा भी यही सुझाव है कि आप दोनों का उपयोग करें क्योंकि जब आप केवल एक प्रकार के संचार का कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं और अगर आप केवल बात करते हैं और केवल पुतला बन के खड़े हो जाते हैं अपने चेहरे से कोई भी भाव प्रकट नहीं करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति आपके समक्ष है उसे आपकी बात से उबाऊ लगे या वो सोचे कि ये व्यक्ति कितना अजीब तरीके से बात कर रहा है या ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको तीन या पांच सेकंड से ऊपर ना सुनना चाहे लेकिन उसी समय पे अगर आप अपने चेहरे के भाव को खूबसूरत बना के रखते हैं अगर अपने हाथों को अच्छे से घुमाते हुए अपनी बात को उत्साह से आप पहुंचाते हैं और तब लोग जो है आपकी बातों से अगर आप बहुत ही ऊंचा बोलेंगे तब भी व्यक्ति आपको तक नहीं सुन पाएगा तो इसलिए बहुत जरूरी है कि दोनों मौखिक और गैर मौखिक दोनों संचारों का आप इस्तेमाल करें और दोनों का इस्तेमाल करके आप प्रभावी तरीके से अपनी बात को अपने दर्शकों और श्रोतागणों तक पहुंचाएं चाहे आप आंखों से निगाहें मिलाएं चाहे आप चेहरे का जो भाव बनाए आपके जो शरीर की भाषा है वो इस प्रकार से होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे ऊंची आवाज का इस्तेमाल करना और कहाँ धीमा बोलना है तो दोनों का इस्तेमाल करते हुए आपको अपने संचार की कला को प्रभावी बनाना है तो जब आप इन दोनों चीजों का उपयोग करेंगे तब लोग बेहद खुशी से आपकी पूरी बात को सुनने को तैयार होंगे आपके साथ शामिल होकर चर्चा करेंगे और यही एक बहुत ही जबरदस्त रहस्य है प्रभावी संचार के लिए कि आप लोगों के साथ एक ऐसा संबंध बनाए जिससे वो आपको सुन पाए इसके लिए हम कुछ रणनीतियों को लेकर आए हैं जिसको मैं आपको कहना चाहूंगी जिसमें सबसे पहला है कि आप स्थिरता के साथ कार्य करें आप सुनिश्चित करें कि आप मौखिक और गैर मौखिक दोनों संकेतों को सुसंगत करें उसका मिश्रित संकेत का इस्तेमाल करें और आप आपका जो संदेश है आप सुनिश्चित करें कि वो व्यक्ति तक संदेश आपका जरूर पहुंचे जिसे आप बताना चाहते हैं दूसरा बिंदु है कि आप अभ्यास करें और जागरूकता रखें और आपको हम ये बता दें कि संचार कौशल का अभ्यास करना सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जब अपनी प्रस्तुति किसी को देते हैं तो वो एकदम सर्वोत्तम भाव से होनी चाहिए लेकिन अगर आप स्लाइड भी आपने तैयार कर ली लेकिन अगर आपको से करनी नहीं आती तो व्यक्ति आपकी बातों से खुद को मेल खाता नहीं महसूस कर पाएगा और आपको सुनना बीच में ही छोड़ देगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास से दूसरे को देने के लिए महत्वपूर्ण ये है कि किस प्रकार से आप उसको सामने वाले के सामने रखते हैं मुझे याद है कि जब मैंने अपनी इस यात्रा को शुरू की थी किया था मैं अंतर्राष्ट्रीय वक्ता के समान अन्यों के सामने आई थी मैंने अपने आप को प्रस्तुत किया था मैंने न जाने कितने सारे पाठ्यक्रम इसके लिए किए थे एक तो पाठ्यक्रम लंदन और यूके में भी था वहां पे ना हमें ग्रह कार्य कराया जाता था अभ्यास कराया जाता था कि हम शिष्य के सामने खड़े होके बात करें वैसे जैसे कि आप किसी ग्राहक के साथ बात करते हैं ताकि आप अपने आप को देख सके और मेरे लिए तो ये अभ्यास बहुत ही जबरदस्त इसने मेरे पे प्रभाव छोड़ा क्योंकि पहली बार मुझे ये पता चला कि मैं कैसी दिखती हूँ जब मैं बात करना शुरू करती हूँ और इसका दूसरा स्तर जो है इस अभ्यास का जिसका मैं आपको सुझाव देती हूँ वो है कि आप केवल शीशे का ही उपयोग ना करें बल्कि आपने आपको देखे भी क्योंकि जब लोग आप शीशे में बात करते हैं वो थोड़ा सा अलग होता है उससे कि जब आप के सामने बात करते हैं तो इसीलिए जो भी आप बात कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर ले रिकॉर्ड करने से क्या होगा आप बार बार जाके दोबारा से देख पाएंगे कि मैंने कैसी बात करी है और मेरे को क्या इसमें बदलने की जरूरत है ताकि मेरा जो संचार है वो प्रभावी हो सके और जो आखिरी बिंदु है वो आपकी प्रतिक्रिया है तो आपके जो मेंटोर आपके जो गुरु हो सकता है हो सकता है आपके परिवार का कोई प्रिय जन है हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप जब बातचीत करें तो वो आपको ऐसी प्रतिक्रिया दे जिससे आप अपने आप को बेहतर बना बनाए बेहतर बना बह, बिना आपके अवलोचना किए बिना आपको छोटा महसूस कराए वो व्यक्ति अगर आपका मार्गदर्शन कर सके आपको बेहतर बनाने में तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा तो जो कुछ भी हम सीखने वाले हैं हैं जो भी कौशल हम सीखने वाले इन दिनों में वो चमत्कारी रूप से प्रकट नहीं हुआ है जी हाँ कुछ लोगों के बड़े ही प्रभावी रूप से बातचीत करने की कला उनमें होती है शुरुआती समय में ही लेकिन ज्यादातर जो लोग होते हैं या विशेष रूप से वो सभी लोग भी जो कि पढ़ाई में बड़े अच्छे थे बचपन में उनको भी अभ्यास करने की बहुत जरूरत है अपना विकास करने के लिए क्योंकि अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे इस कौशल कौशल का तो आपसे कहीं खो जाएगा और आपको फीडबैक लेना बहुत जरूरी है अपने सभी गुरुओं से से या उन लोगों जिन्होंने आपको आमंत्रण दिया है इस आ, इस सत्र के लिए जिन्होंने कई सारी प्रस्तुतियों का आयोजन किया है क्योंकि वो आपका मार्ग निर्देशन कर सकते हैं वो आपको ये बता सकते हैं कि किस चीज को आपको बदलना है थोड़ा सा ताकि आप प्रभावी रूप से, रूप से से सार्वजनिक बोलने की कला को सीख सके। और अगले स्तर पर पहुंचने के लिए मेरा सुझाव आपको ये है कि कुछ पेशेवर पाठ्यक्रमों को आप जरूर ग्रहण करें अगर आप विश्व भर में यात्रा करना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि एम का जो करियर है उसके अंदर आप पूरे समय जुड़ कर शामिल होकर कार्य कर सके हो सकता है कि आप वक्ता बनना चाहते हैं ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि प्रस्तुत करता बने बड़े प्रस्तुत परियोजनाओं के बड़े बड़े आ, स्टेज पे मंचों पर और ऐसे लोग होंगे जिनमें एक भूख होगी इस प्रकार के अवसर के लिए ऐसे लोग होंगे जो कि आ, पार जाना चाहते हैं अपने बुनियादी स्तर से अपनी पुरानी आदतों से तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है तो हम अगली स्लाइड पर आ गए तो हैं तो और अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो दो तरीके हो सकते हैं प्रभावी रूप से संचार करने के लिए तो इस समय हम तो ये तो बात हम करेंगे कि हमें किसके हम... साथ इसका अभ्यास करना है तो हम लोगों को ये देखना है कि हम लोगों को अपना व्यवसाय किस प्रकार बनाना है तो सबसे पहला कदम ये है कि आप अपनी एक सूची बनाएं एक कांटेक्ट लिस्ट बनाएं और ये किसी भी व्यवसाय की रीढ़ है और यदि व्यवसाय के अंदर लोग हैं लोगों से बात करने के लिए तो कई बार लोग कहते हैं कि हमारे पास लोग नहीं हैं लेकिन आपके आसपास लोग हैं हर जगह लोग हैं और यदि हम लोग एक दूसरे को एक ही कक्ष के अंदर नहीं देख सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज हमारे पास वो साधन नहीं है कि हम लोगों तक पहुंच नहीं बना सकें बल्कि आज तो हमारे पास सौ अलग तरह के से तरीके हैं जहाँ पर हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कितने समूह हैं कितने ग्रुप्स हैं जहाँ पर आप एक साथ मिलियन लोगों से बात कर सकते हैं तो इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपनी सूची को स्वयं बनाए तो मेरी जो ग्राहक सूची थी जो क्लाइंट लिस्ट थी मैं वो सूची उन लोगों की थी जिनको मैं यूनिवर्सिटी से जानती थी मेरे वो परिजन जिनसे मैं बात करती थी तो ये वो लोग थे जिनके साथ मैं लगातार बात करती रहती थी क्योंकि ये लोग हैं जिन तक आप आराम से पहुंच बना सकते हैं वो आपको सुनेंगे और वो आपकी पूरी की पूरी सेल्स पिच को अंत तक सुनेंगे और ये बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर मेरे जो परिजन थे वो मेरे परिजनों के अंदर मेरे परिवारजनों के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि मुझे हमेशा वो कह रहे थे कि मिला यहाँ मत जाइए इसको मत कीजिए और आप पछताएंगी लेकिन आज सात साल पूरे हो चुके हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक सूची बनाने की आवश्यकता है और जितना हो सके उस सूची को आप बनाएं आपको को यहाँ पर उन लोगों को जहां पर वो लोग जहां पर आपके परिजनों के बाहर जो लोग जानते हैं आपके परिजनों को जानते हैं परंतु आपको ये देखने की आवश्यकता है उस उस लिस्ट को, सूची को पूरा करने की आवश्यकता है जहां पर आप लोगों अपने परिवार से परे जाकर आप लोगों तक बना सकते हैं और उसके बाद आते हैं आपके दोस्तों के दोस्त क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इन लोगों को आपने कहीं ना कहीं देखा है परंतु आप उनसे उनके साथ आपने कभी बात नहीं की हो सकता है कि आप अपने दोस्तों के साथ उनकी पार्टी में गए हो जहां पर आपने उनको देखा हो तो ये एक ऐसा जो जो चक्र होता है जहां पर वो आपके दोस्तों का दोस्तों का चक्र होता है तो आपके जो पहले चक्र में से आपको रेफरेंस मिलते हैं तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो तीसरा कदम है उसके अंदर आप इस सूची का और एक विस्तृत रूप देखते हैं और इस सूची के अंदर ये वो लोग होते हैं जहां पर देखिए इन इन सभी चीजों के पीछे इन तीनों चारों चरणों के पीछे कदमों के पीछे केवल यही एक मुख्य विचार है कि आपकी ये सूची कभी खत्म ना हो आपके पास कोई ना कोई हो जिसके पास आप बात कर सकें और उसके बाद आप जो हैं चौथा कदम आपका ये हो सकता है कि आप जो हैं लगातार तरीके से आप दूसरे नेटवर्क के ऊपर आप पहुंच जाए इंस्टाग्राम फेसबुक आप आप व्हाट्सएप के ऊपर आप जो हैं आप अपनी पहुंच बना सके तो ये सोशल मीडिया चैनल जो है वो आपको विशिष्ट समूह से अलग अलग स्रोतों से आपको लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि आप अपनी सूची का लगातार विस्तार कर सकें और ये वो लोग भी हो सकते हैं जो कि आप ही की तरह दिलचस्पी वही दिलचस्पी रखते हैं वही रुचियां रखते हैं हो सकता है कि उनको भी पालतू जानवर पसंद हो आपको भी पसंद हो या ये भी हो सकता है कि वो उसी उसी विद्यालय में पढ़े हो जिस विद्यालय में आप पढ़े हो तो कोई ना कोई एक एक क्षेत्र जो कि दोनों के लिए दिलचस्प हो और आज ब्लॉकचेन के साथ क्रिप्टो और कुछ उद्यमियता बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारे रुचि के क्षेत्र हैं, जहां पर आप दोनों एक तरफ हो सकते हैं और जो अगर आप देखेंगे कि यदि आपकी दिलचस्पियां एक जैसी हैं, तो आपका संचार भी काफी दक्ष हो जाता है और आइए अब चौथे कदम की तरफ देखते हैं जहां पर आपका नेटवर्क का एक उद्देश्य होता है और यहाँ पर आप जो हैं आप ऐसे ऐसे इवेंट्स में जाते हैं जो कि आपके नेटवर्क कि किसी एक एक उद्देश्य से आप उस नेटवर्क के साथ जुड़ते हैं और इसी प्रकार मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया तो जैसे कि मेरे पास एक पहली सूची थी जिसके पास जिसमें सिर्फ दोस्त और परिजन थे और फिर दूसरी सूची के अंदर दोस्तों के दोस्त परिवारजनों के दोस्त इन्होंने इनको मैंने पहले देखा था लेकिन कभी बात नहीं की थी और उसके बाद मैंने तीसरे कदम की जगह सीधा चौथे कदम पर गई और उसके बाद मैंने तीसरा कदम किया क्यों क्योंकि मेरे लिए जो लाइव इवेंट्स होते हैं वहां पर मैं लोगों के साथ एक संबंध बना सकती हूँ और मुझे हमेशा जो मेरे लिए एक पसंदीदा काम यह है कि मैं लोगों से रूबरू होकर बात कर सकूं उनके प्रशिक्षण में बात कर सकूं और यहाँ पर उन सत्रों के अंदर हम लोग बात कर सकें जहां पर हम लोग मिलकर बैठ कर बात कर सकें हम लोग खाना खा सकें और मुझे याद है कि मैंने बहुत सारे ऐसे सम्मेलन लंदन में किए थे और और हम लोग लगातार दिन में लगातार दो तीन ऐसे सत्र करते थे और मैंने अपने नेटवर्क लीडर्स का यूं कह सकते हैं कि जो जन्म है वो इवेंट्स के माध्यम से हुआ है और इनके साथ मिलकर और यूं कहें कि इनके साथ मिलकर मैंने इस व्यवसाय को आगे बढ़ाया है और जिनके साथ मैंने व्यवसाय को आगे बढ़ाया है वो मुझे इसी प्रकार इवेंट्स में मिले हैं क्योंकि जो सम विचार वाले लोग होते हैं ये आपको लाइव इवेंट्स के अंदर ही मिलते हैं आप उनके साथ अच्छे से संचार कर सकते हैं और साथ ही साथ यदि उस इवेंट के लिए आपने टिकट लिया है तो आपका उद्देश्य यही है कि आप उद्यमी बनना चाहते हैं क्योंकि उसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है तो मेरे लिए उस कक्ष के अंदर जितने भी लोग थे वो मेरे लिए वो एक भावी ग्राहक हो सकते थे एक भावी बिजनेस पार्टनर हो सकते थे तो इसीलिए मैं यहाँ पर लाइव इवेंट्स के ऊपर ज्यादा जोर मैंने दिया है मैं माफी चाहूंगा आवाज मीला की बहुत अच्छे से नहीं आ रही है। उनके नेटवर्क में कुछ दिक्कत हो रही है और शायद हमने मीला को यहां पर खो दिया है नेटवर्क बहुत बढ़िया नहीं है एक क्षण दीजिए माफ़ी चाहेंगे और अभी विनोद फूले जी ने लिखा है कि आवाज़ बहुत कम आ रही है मुझे उम्मीद है कि अभी आवाज़ ठीक हो गई होगी कोई प्रतिक्रिया दीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी आवाज़ ठीक प्रकार सुनाई दे रही है और इधर हम मिला का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि नेटवर्क की वजह से शायद उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रतिपुष्टि का ध्रुव जी विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद हम इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही अंग्रेजी कक्ष से हमें आवाज आएगी हम अपना अनुवाद फिर शुरू करेंगे मैं माफी चाहूंगी मीला कह रही है कि शायद मेरा कनेक्शन जो था वो टूट गया था तो क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं जी हाँ हम आपको बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं तो देखिए जब आप किसी चीज के बारे में बहुत जुनून से बात करते हैं तो कंप्यूटर आपका काम नहीं करता आपको समर्थन नहीं देता तो ये काफी बार होता है तो 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 जब हम तो मैं एक चीज जब हम लोगों का कनेक्शन टूटा था तो मैं उसको सारांश में एक बार बता देती हूँ कि एक जो हमारी ग्राहक सूची है क्लाइंट लिस्ट है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए ये कोई ऐसा अभ्यास नहीं है जो कि आप एक बार करते हैं आप ऐसा सोचें कि आप पारंपरिक व्यवसाय को सोचें जहां पर आपके पास उदाहरण के तौर पर कॉफी शॉप मुझे कॉफी पसंद है तो तो इसीलिए मैं हमेशा यहाँ पर एक उदाहरण कॉफी शॉप का लेती हूँ पर आपको लगता है कि क्या आप जो हैं आप केवल पांच लोगों को कॉफी पिलाना चाहते हैं ग्राहकों को जी नहीं बल्कि आप चाहेंगे कि हर रोज आपके आपके ग्राहक जो हैं वो गुना होते रहें और आप के ग्राहक दूसरे ग्राहकों को कहें कि ये कॉफी बहुत अच्छी बनाते हैं और आपको जरूर यहाँ पर आकर कॉफ़ी पीनी चाहिए और ये वाकई में बहुत बढ़िया उत्पाद है एम में भी यही होता है यदि हमारे पास एक उत्पाद जो कि बहुत बेहतरीन है तो हमारे पास ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सुनिश्चित करें कि हम लोगों तक तो अपनी पहुंच बनाए तो ये जो हमारी जो जो सूची है वो कभी खत्म नहीं हो सकती जबी जब बिलियन लोग जो हैं वो पूरे विश्व में हैं जिन तक हम अपनी जानकारी को पहुंचाना चाहते हैं जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं जो इस 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 अद्वितीय अद्वितीय कंपनी के साथ इस मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसीलिए यहाँ पर यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी संपर्क सूची को बढ़ाते रहें आप कभी भी ये ना कहें कि केवल एक ही बार आप अपनी संपर्क सूची को, को बनाएंगे नहीं आपको इसको लगातार विकसित करना है ताकि आप विकसित हो सके और जो लोग बहुत समय से इस व्यवसाय के अंदर हैं तो मैं आपको ये चुनौती देती हूँ कि यदि आप अपनी पहली संपर्क सूची को अपनी अंतिम संपर्क सूची से देखेंगे या उसकी तुलना करेंगे तो आपको वाकई में फर्क दिखाई देगा मुझे एक उदाहरण याद है आर्मन मुरनियाक्स का हम एक हम उदाहरण लेते हैं और आज वो चैट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं कल वो यहाँ पर स्पीकर थे और मैं उनकी एक कॉन्टैक्ट थी उनकी एक संपर्क सूची का हिस्सा थी और और उन्होंने उस सूची को बनाए रखा क्योंकि वो ऐसे लोगों को जोड़ते जा रहे थे जो कि व्यवसाय करना चाहते थे और जो जुनूनी थे तो आज उनकी संपर्क सूची बिल्कुल अलग स्तर के ऊपर है तो आपके जो पहले संपर्क सूची होगी आप उनके साथ संचार करेंगे और अब जो आपकी सूची होगी वो अलग होगी परंतु अब आपने कभी सोचा है कि आपने संपर्क सूची के अंदर उन्होंने उसको अपग्रेड कैसे कर लिया अध्यतित कैसे कर लिया क्योंकि उन्होंने अपने विकास के ऊपर काम किया आपने विकसित किया तो यहां पर ये भी एक ये कह सकते हैं कि एक चिन्ह है एक निशान है कि यदि आपकी संपर्क सूची विकसित हो रही है तो इसका मतलब आप भी विकसित हो रहे हैं आपने अपने आप वो चुनौती दी है अपने आप अपने कौशल को चुनौती दी है तो ये मैं वाकई में नए लोगों से कहूंगी कि आपको अपने संपर्क सूची को पहले दिन से विकसित करना है और जब ये विकसित होगी तो आप भी विकसित होंगे और आप वो लीडर बनेंगे और आप देखेंगे कि बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो वाकई में अपनी संपर्क सूची को लगातार अध्यतित लगातार अपडेट करते रहते हैं ताकि वो अपने स्तर को बढ़ा सकें उन लोगों तक पहुंच सकें जहां पर वो ऐसे लोगों तक पहुंच बना सके जहाँ पर वो कंपनी के करता धरता है और उनके साथ उनके और और उसके बाद जो है वो वो उन लोगों तक पहुंच सके जहां पर इन लोगों का दबदबा चलता है प्रभाव पड़ता है और यहाँ पर अभी जवाब आ रहा है कि वाकई में मेरी जो सूची थी वो आज से बहुत अलग हुई है और यही जो है हम लोगों को पता चल रहा है तो जब आप किसी एक निश्चित स्थिति पर पहुंच जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो जो सूची है वो किस प्रकार बदल जाती है आप जिन लोगों के साथ सक्रिय रूप से संचार कर रहे होते हैं वो बदल जाते हैं ये आंतरिक लोग नहीं होते वो दूसरे लोग होते हैं तो वो हॉट बाजार नहीं होता बल्कि बल्कि आप, आप और आपकी जो सूची है वो तीन आ, तीन बाजारों में जो है वो बटी जाती है हॉट वार्म और कोल्ड तो यहाँ पर हॉट बाजार वो है कि वो ऐसे लोग हैं जो कि आपके करीब हैं जो कि काफी ज्यादा वो आपके मित्र हैं जो आपको जानते हैं तो आप कुछ भी उनको संदेश भेजेंगे तो वो जरूर पढ़ेंगे उसके बाद जो बाजार वार्म बाजार है वो यानी कि वो सिफारिशें जहाँ पर आ, जो कि आपने लोगों को देखा तो नहीं है लेकिन किसी ने जो है आपकी सिफारिश की है तो आपने उसी प्रकार जो है अपना संपर्क उनके साथ साधा है और कोल्ड बाजार कोल्ड मार्केट ये वो है जहां पर आप लोगों को जानते नहीं हैं और पहली बार आप अपने पहुंच बना रहे हैं जैसे इंटरनेट के ऊपर नौकरी की तलाश में जो लोग हैं वो तो आप लिख सकते हैं कि मैं नौकरी की पेशकश कर रहा हूँ सामाजिक नेटवर्क यूट्यूब सम्मेलनों के अंदर नेटवर्किंग के अंदर और यहाँ पर आपको अपने आरामदायक क्षेत्र से कंफर्ट क्षेत्र से बाहर निकलना होता है तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग जो हैं, वो अपने व्यवसाय को किस प्रकार विकसित करते हैं वो सबसे पहले वो हॉट और वार्म बाजार के अंदर सक्रिय होते हैं और उसके बाद अंततः वो कोल्ड बाजार में प्रवेश करते हैं तो जो कोल्ड बाजार है वो आपका आरामदायक जो क्षेत्र है जो कंफर्ट एरिया है वो आप उससे आप आगे बढ़ेंगे और मुझे बहुत सारे लोग ऐसे पता हैं जो कि कभी भी जिन्होंने हॉट बाजार के अंदर काम नहीं किया वो सीधा कोल्ड बाजार से उन्होंने शुरू किया क्योंकि उनके हॉट बाजार या उनको इतने लोगों को नहीं जानते थे जो कि जो कि जो कि उनको प्रभावित कर सकें जो कि उनको जो है वो उस प्रकार की प्रेरणा दे सके तो जब भी वो किसी के पास गए तो उन्होंने उनको नीचे ही किया और उन्होंने कहा उन्हें निराश ही किया कि आप ये काम मत कीजिए और वाकई में और लेस ब्राउन का एक उदाहरण मुझे याद आ जाता है और वो ये कि जो हॉट और वार्म बाजार ये वो लोग होता है जो कि जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं तो वो आपका सबसे ज्यादा नुकसान कर सकते हैं वो इसलिए नहीं क्योंकि वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करते या वो ये नहीं चाहते कि आप जो है खुश हों परंतु वो इसलिए क्योंकि वो उस बंधन में बंधे होते हैं आपके साथ आपसे वो इतना प्यार करते हैं कि वो आपको सुरक्षित देखना चाहते हैं वो चाहते हैं कि आप सुरक्षित नौकरी करें वो चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें तो कई बार उद्यमियता के लिए ये एक सबसे बड़ा जाल होता है और यहाँ पर आप यदि हमेशा अपने आरामदायक क्षेत्र के अंदर रहेंगे तो अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलना होता है और आपको अनिश्चितता के साथ आपको अपने आपको रूबरू होना पड़ता है और इसी वजह से ये बहुत आवश्यक है तो, तो मैं तो ये कह सकती हूँ कि यदि आप चाहें कि आप कोल्ड बाजार के साथ शुरू कर सकते हैं यदि आपका हॉट बाजार आपको समर्थन नहीं दे रहा है हाँ ये भी हो सकता है कि यदि आपको लगता है कि आपके आसपास के लोग आपको समर्थन करते हैं तो आप हॉट बाजार के साथ शुरू कर सकते हैं ये अलग अलग रणनीतियां हैं ये दोनों जगह काम करेंगी और आ, कहीं मुझे मुझे मालूम है जिनको मैं जानती हूँ जो कि हॉट बाजार के साथ उन्होंने शुरू किया और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने परिजनों को कभी नहीं बताया कि वो क्या कर रहे हैं और वो कोल्ड मार्केट के साथ उन्होंने शुरू किया और एक बार वो कोल्ड बाजार में सफल हो जाते हैं उसके बाद वो हॉट बाजार में प्रवेश करते हैं तो चलिए एक प्रश्न मैं पूछती हूँ तो मुझे जरूर बताइए कि अगर आपने पहले हॉट बाजार का इस्तेमाल किया और उसके बाद कोल्ड बाजार में गए तो आप जरूर हॉट लिखकर हमें बताइए या नंबर एक दबाइए लेकिन यदि आपने पहले कोल्ड बाजार शुरू किया और उसके बाद हॉट बाजार में आप गए तो आप जरूर जो है वो आप कोल्ड लिखिए और उसके बाद आप दो लिख सकते हैं या आप दो लिख सकते हैं तो ये हिंदी कक्ष से ये प्रश्न है यदि आपने हॉट बाजार से गोल्ड बाजार में प्रवेश किया तो एक दबाइए और यदि आप कोल्ड बाजार से हॉट बाजार में गए हैं तो दो दबाइए तो अंग्रेजी कक्ष में अधिकांश लोग जो हैं वो हॉट बाजार कर रहे हैं और यहाँ पर हिंदी कक्ष में भी कुछ जवाब आ रहे हैं रमेश जी कह रहे हैं कि उन्होंने कोल्ड बाजार से शुरू किया मीला कह रही है कि आ, मैंने दो तीन अपने हॉट बाजार के के साथ मैंने बात की परिजनों से बात की और उसके बाद मैंने कोल्ड बाजार में प्रवेश किया और यहाँ पर आ, हमारे पास हिंदी कक्ष में राजेश प्रसाद जी भी कह रहे हैं कि उन्होंने कोल्ड बाजार से शुरू किया तो ये आपकी रणनीतियां हो सकती है आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और ये देख सकते हैं कि आपकी जो कॉन्टेक्ट सूची है जो आपकी जो जो आपकी सूची है ग्राहक सूची है उसको कैसे बनाया जाए तो ये एक उदाहरण है तो आप सबसे पहले उनका उपनाम लिख सकते हैं उसके बाद आप उनका पूरा नाम लिख सकते हैं उसके बाद उनका उनकी जानकारी जैसे फोन और ईमेल लिख सकते हैं और ये बहुत आवश्यक है कि आपने उनको किस प्रकार आप आपने आप उनको उनको उनसे पहली बार मिले ये बहुत बहुत आवश्यक है और ये सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि यदि आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं और उसके बाद कुछ महीनों के बाद आप उनको भूल जाते हैं तो ये तो बहुत कम आसार होंगे कि आप उन्हें अपने व्यवसाय के साथ जोड़ पाएंगे तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि आपको ये समझना होगा कि, कि आपने आपकी सबसे पहली संपर्क की तारीख क्या थी तो ये संपर्क की तारीख बहुत आवश्यक है और उसके बाद आपने कौन सी तारीख के ऊपर आपने फिर से उनसे संपर्क साधा ये बहुत जरूरी है और उसके बाद आप उनके बारे में टिप्पणियां लिख सकते हैं तो 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 वाकई में जो नतीजे जो परिणाम है वो आपके परिणाम क्या है क्या वो सकारात्मक परिणाम है क्या वो नकारात्मक परिणाम है ये लिखना जरूर लिखिए तो जब आप कोई आप मीटिंग करते हैं कोई आप बैठक करते हैं तो उसके परिणाम लिखना ना भूलिएगा पहली बैठक दूसरी बैठक और परिणाम बहुत आवश्यक है आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और अब ये देखते हैं कि किस प्रकार से आप अपने संदेश को तैयार कर सकते हैं ताकि उसका अधिकतम प्रभाव पड़ सके तो एक मुख्य स्तंभ जो है जो कि मैं अपने व्यवसाय में जिसका इस्तेमाल करती हूँ और मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग इसका सफलता से इस्तेमाल करते हैं अब यदि आप चाहते हैं कि आपका संदेश उस व्यक्ति के ऊपर अधिकतम प्रभाव डाले तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि आप जो भी कह रहे हैं उसका प्रभाव पड़े और ये प्रभाव किस प्रकार पड़ सकता है वो निर्णय ले सकते हैं वो प्रभाव हो सकता है कि वो आपके साथ अगली बैठक में जुड़ सकते हैं प्रभाव ये हो सकता है कि उनके आपने उनको वो आहा अनुभव का आपने वो आहा क्षण का अनुभव कराया हो और ये एक वो क्षण होता है ये प्रभाव ये वो चीज होती है जो व्यक्ति जो व्यक्ति निर्णय लेता है कि वो आपके साथ जाएगा या वो आपके साथ नहीं जाएगा तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि आप किस से बात कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रभाव डालने के लिए अब जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप एक एवोसेंट को को उत्पाद के रूप में दो समूहों में प्रस्तुत कर रहे हैं एक वो जो जो कि इत्र के व्यवसाय में पेशेवर हैं और दूसरे जो कि अधिक एक अतिरिक्त आय के स्रोत के लिए जो है वो वो विकल्प ढूंढ रहे हैं तो आप किस प्रकार पेशेवर लोगों को आप संदेश देंगे और किस प्रकार से आप दूसरे समूह को संदेश देंगे तो अब आप से सहमत होंगे कि ये दोनों संदेश अलग अलग होंगे क्योंकि जब आप आप ये दोनों संदेश अलग इसलिए देंगे क्योंकि ये दोनों समूह बिल्कुल निहित रूप से अलग हैं तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि आपके सामने आप आपके सामने आपके दर्शक कौन है और वो किस प्रकार से आपके संदेश का प्रसंस्करण करेंगे और ये ये उनकी उनकी जरूरतें क्या हैं उनके दिलचस्पी क्या है वो किस कारणों से आपके मौके के अंदर दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो आपको उनके लिए संदेश को बनाना होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है जब आप किसी संदेश को प्रभावी बनाना चाहते हैं मैंने कितनी बार देखा है कि व्यक्ति स्टेज के ऊपर आता है लेकिन वो संदेश सही प्रकार से नहीं दे सकता कई बार उनको केवल इतना बताना होता है कि आप उस उस सं, उस संदेश के माध्यम से उन्हें यह बताना होता है कि यह व्यवसाय उनके लिए क्यों बेहतर है परंतु वो एक घंटे के लिए स्टेज पर आकर केवल यही बताते रहते हैं कि उत्पाद क्या है तो इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप, आप समझें कि जब आप स्पीकर के रूप में क्या बोल रहे होते हैं किससे बात कर रहे होते हैं तो अपने भावी ग्राहकों के लिए आपको ये समझने की आवश्यकता है कि उनकी जरूरतें क्या हैं, उनको किस चीज की आवश्यकता है क्योंकि आप देखेंगे कि किसी भी प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य ये नहीं है कि आप बेचें बल्कि उद्देश्य ये होता है कि वो किस चीज को ढूंढ रहे हैं और आप उनको किस प्रकार वो मुहैया करा सकते हैं अब यदि व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि वो वो इत्र खरीदना चाहते हैं तो उनको बताइए कि ये इत्र कैसे खरीद सकते हैं और यही एक बहुत बड़ी गलती है जब आप संदेश जो है बिल्कुल मिश्रित तरीके से भेजते हैं जो कि बिल्कुल असंदर्भित होते हैं रिलेटेड नहीं होते हैं प्रासंगिक नहीं होते हैं तो ये बहुत जरूरी है और तब जब आप ऐसा करते हैं तो वाकई में आप सोचते हैं अरे ये क्या हुआ और ये मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार हुआ है और मुझ मैं जानती हूं कि जो मेरे जब जिन भावी ग्राहकों के साथ मैंने अपने कैरियर की के शुरुआत में बात की थी तो मैंने उनके साथ बहुत गलत किया मैंने एक ही सत्र के अंदर उनको सारी चीजें बताने की कोशिश की और अब जब मैं आगे बढ़ रही हूं तो मुझे ये दिखता है कि ये पीछे मैंने मैंने ये सबसे बड़ी गलती की क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को खो दिया और ये बताने की बजाय कि उनको क्या चाहिए उनको क्या चाहिए था उसके ऊपर ना बात करके मुझे क्या बोलना है मैंने बोला तो इसीलिए ये वाकई में बहुत जरूरी है कि आप बैठक से पहले ये देखें कि ये व्यक्ति को क्या चाहिए उनकी जरूरतें क्या हैं वो इस बैठक में क्यों आना चाहिए आना चाह रहे हैं आपको ये देखने की आवश्यकता है कि लोग जो हैं जो आपके सामने बैठे हैं आप उनके बारे में सोचें अपने बारे में ना सोचें और उसके बाद एक प्रभावी बनाने का तरीका और भी है संदेश का वो ये कि आप कहानी सुनाने की कला को विकसित करें देखिए हम मनुष्य हैं और हम लोग जो हैं चित्रण का बहुत इस्तेमाल करते हैं विजुअलाइजेशन का बहुत इस्तेमाल करते हैं और एक जो आयाम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि आप लोगों को उनकी ऊर्जा को आप जो हैं वो वो चित्रण करने में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यदि व्यक्ति जो आपके सामने बैठ रहा हुआ उन चीज को जो आप बोल रहे हैं उसको देख सकते हैं तो वो विश्वास कर सकता है देखिए आप जिस चीज को देख सकते हैं उस पर विश्वास करते हैं और जब आप विश्वास करते हैं तो आप लोगों के जीवन को बदल देते हैं तो एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है एक ऐसा कथन मुझे याद आ रहा है और ये बहुत जरूरी है कि आप जो चीज करना चाह रहे हैं उसके ऊपर विश्वास करें ये बहुत महत्वपूर्ण है तो कहानी सुनाने की विधि कहानी सुनाने का कौशल बहुत महत्वपूर्ण है तो ये दो तरह का हो सकता है कि जहाँ पर आप ग्राहक की सफलता की कहानी को महत्वपूर्ण बनाकर आगे बढ़ बर, बढ़ते हैं व्यक्ति को उत्पाद बहुत पसंद आया और वो देखते हैं कि इस इस प्रोडक्ट उत्पाद के इस्तेमाल के बाद उनको फर्क दिखाई देता है और वो आपके अनुशंसा करते हैं जैसे कि एवोसेंट एवोसेंट के अंदर मुझे, मुझे मैंने मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं एवोसेंट का इस्तेमाल करती हूँ और आप अनुशंसा करते हैं कि इसके बहुत सारी महक हैं और अलग अलग जगह के लिए अलग अलग महक है और मैं एवेसेंट का इस्तेमाल लगभग रोज करती हूँ तो जब आप ग्राहकों की सफलता की कहानियों को आप सुनाते हैं तो तो, तो ये एक आने वाले यानी कि भावी ग्राहक के अंदर विश्वास जगाता है और आप बताते हैं कि सभी ग्राहक जो हैं वो इसका इस्तेमाल करके बहुत खुश हैं उत्पाद बहुत अच्छा है और और अपनी कहानी के अंदर आप जो हैं आप रेमोन की कहानी को बता सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने इन, इन इत्रों का इजाद किया इनकी खोज की यह बहुत दिलचस्प कहानी है तो जो लोग व्यवसाय बनाना चाहते हैं तो उनको उनको दूसरी चीज के ऊपर ध्यान देना होता है और वो ये है कि व्यवसाय की सफलता की कहानी बिजनेस सक्सेस स्टोरीज तो आप आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपकी कहानी कुछ भी हो सकती है एक लीडर के रूप में या किसी और लीडर को जो आप जानते हैं या हो सकता है कि आप किसी दूसरे देश के लीडर को जानते हैं परंतु आपको अपनी कहानी कहानी सुनाने की कला का इस्तेमाल करना है उनकी तकनीकों का इस्तेमाल करना है ये दिखाने के लिए कि यह आपका जो उत्पाद है वो किस प्रकार से लोगों की मदद करता है उनको सफलता दिलाता है उनके व्यवसाय में सफलता दिलाता है या ये वाकई में उनको वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो उत्पाद उनको बहुत अच्छा महसूस कराता है तो जैसा कि मैंने कहा कि ये ग्राहक की सफलता की कहानी हो सकती है और ये व्यवसायिक सफलता की कहानी हो सकती है और जब आप इन दोनों का मिश्रण कर देते हैं और आप ये भी देखते हैं कि आपके जो दर्शक हैं उन उन वो लक्षित दर्शक कौन है तो आप उनको सबूत भी देते हैं तो लोग जब कंपनी को जुड़ते हैं तो उनको 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 सबूतों की आवश्यकता होती है वो ये देखना चाहते हैं कि अगर वो इस कंपनी के साथ जुड़ेंगे तो कहीं वो कंपनी चली तो नहीं जाएगी और और बहुत सारी कंपनियां जो है वो आज आजकल जो कंपनी धोखा धोखा देकर चली जाती हैं और भारत के अंदर भी कितने उदाहरण हैं ऐसी कंपनियों के जहाँ पर आ, लोग जो हैं उस कंपनी के साथ सालों तक काम करते रहे और उसके बाद वो कंपनी एकदम गायब हो गई तो लोगों ने अपनी मेहनत की इस कंपनी के साथ तो इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप वो विश्वास जगाएं आप ये बताएं कि जो उत्पाद हमारे पास है वो वो है और वो हमेशा रहेंगे वो आज भी उपलब्ध है और वो भविष्य में भी उपलब्ध रहेंगे तो इसीलिए इन कहानियों के माध्यम से वो विश्वास जगाने की आवश्यकता है अपने व्यवसाय की सफलता की कहानियों की बताने की आवश्यकता है तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है और मैं बहुत तेज नहीं जा रही हूँ तो मुझे जरूर चैट में ये बताइए कि यदि आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे उम्मीद है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मेरा कह रही है कि आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चलिए आगे चलते हैं कि किस प्रकार से आप सुनने के कौशल और किस प्रकार से आप एक व्यक्ति के साथ संबंध बना सकते हैं तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि संवाद के दो पहलू होते हैं पहला कि हम लोग किसके ऊपर अभ्यास कर सकते हैं जो कि लोग हैं हम लोगों ने बात की कि किस प्रकार से संपर्क सूची बनाना है हम लोगों ने बात की कि किस प्रकार से एक प्रभावी संदेश बनाना है और अब हम बात कर रहे हैं एक कौशल की जो कि बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आपको संवाद के लिए थोड़ा गहरा लेकर जाएगा और वो है सुनने का कौशल तो सक्रिय रूप से सुनना बहुत महत्वपूर्ण है आप यहाँ पर समझते हैं कि व्यक्ति आपको क्या कह रहा है और वो व्यक्ति आपको क्या बोलने की काफी कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर आपके पास सक्रिय रूप से सुनने की कला होती है और दूसरा जो है आप असक्रिय रूप से सुनते हैं तो वो सक्रिय का मतलब होता है कि लोग आपके सामने तो होते हैं पर वो सुन नहीं रहे होते जैसे कि आपके बच्चे आप जो है बच्चे आपके टीवी देख रहे हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं और आपको जवाब नहीं आता तो आपके जो प्रश्न है या जो आपके जो शब्द है वो वाकई में ब्रह्मांड के शून्य में चले जाते हैं तो वो वहां पर मौजूद है परंतु वो जवाब नहीं दे रहे हैं या वो ऐसे जवाब दे रहे हैं जैसे हाँ हाँ ओके हम्म और उसके बाद जब आप उनको थोड़ी देर के बाद याद दिलाते हैं तो उनको याद नहीं होता तो इसीलिए मुझे मालूम है कि आप इस चीज के साथ जरूर संबंध बना सकते हैं हमें इस प्रकार के संवाद की आवश्यकता नहीं है हम लोगों को सुनने के कौशल की आवश्यकता है क्योंकि हमारे पास और और बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण सुनना है हमारे पास दो कान हैं और एक एक हमारे पास मुख है तो इसीलिए इसका ज्यादा इस्तेमाल करने की आवश्यकता है उदाहरण के तौर पर जैसे कि किसी संभावित ग्राहक के पास आ, कुछ प्रतिबद्धता के बारे में चिंताएं हों कि किस प्रकार से हम लोग इस इस व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे और आ, आप उनको रोक कर कहते हैं कि कि आइए ये, ये और वो ये सोच रहे होते हैं कि ये व्यवसाय उनके लिए नहीं है तो यहाँ पर आपको उनको सुनने की आवश्यकता है कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं वो ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं उनको आरामदायक क्यों नहीं लग रहा है आ, और आपको यही सोचना है कि ऐसी क्या चीज है जो आपने अपेक्षा नहीं की थी जो उनको महसूस हो रही है और ये तभी हो पाएगा जब आप सुनने के कौशल को विकसित करेंगे आप उस फीडबैक को उस प्रतिपुष्टि को फीडबैक को आप समझेंगे जो लोग आपको दे रहे हैं और उससे क्या होगा आपकी जो प्रस्तुतिकरण होगा वो बहुत शक्तिशाली होगा तो एक छोटा सा अभ्यास मैं करती हूँ जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ और ये कल जो है और गहराई में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम लोगों को जो है अपने संभावित ग्राहकों की जरूरतों का पता चले तो आप जो है खुले प्रश्न पूछ सकते हैं ओपन प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप ऐसे कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं अपने भावी ग्राहकों से ताकि आप उनको बेहतर समझ सकें वो प्रश्न क्या हो सकते हैं तो जब आप ये प्रश्न अपने लिए ढूंढ लेंगे और कल हम इसके ऊपर थोड़ा और ज्यादा बात करेंगे परंतु जब आप ये देखेंगे कि वो वो शक्तिशाली प्रश्न कौन से हैं जो आप पूछ सकते हैं तो वो आप प्रस्तुतिकरण के शुरुआत में आप पूछ सकते हैं ताकि जो आपके दर्शक हैं वो आपके साथ खुल जाएं और उनके जो जवाब हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रस्तुतिकरण के अंदर ताकि आप और ज्यादा अपने प्रस्तुतिकरण को प्रभावी बना सकें तो यदि कोई आपके साथ साझा करता है कि मुझे थोड़ी असमंजस्यता है ऑनलाइन व्यवसाय को लेकर या वो डरते हैं और या फिर अब वो ये कहते हैं कि कि उन्होंने कभी कोई व्यवसाय पहले नहीं किया वो केवल नौकरी की है तो प्रस्तुतिकरण के अंदर जब आप व्यवसाय वाले हिस्से पर पहुंचते हैं तब आप उस व्यवसायों को अच्छे से समझा सकते हैं उन्हीं के शब्दों के अंदर उनके उनको आप बता सकते हैं कि एक जो सांख्यिकी है जो डेटा है वो आप बता सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे लोग अधिकांश अधिकांश के अंदर है डेटा ये कहता है कि वो ज्यादा लोग हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सफल भी हैं लेकिन उन्होंने कभी भी सुना नहीं है था नेटवर्किंग मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे लोग जो हैं जो पारंपरिक पृष्ठभूमि से आते हैं व्यवसाय की तो वो ज्यादा प्रभावी सिद्ध होते हैं क्योंकि क्योंकि वो जो हैं उनको उनको मालूम है कि अगर आपको दक्ष होना है किसी भी व्यवसाय के अंदर तो वो कैसे होना है तो वो कौशन उनके पास पहले से होता है तो ये सारी की सारी चीजें जो पहले आपके पास प्रतिबंध के रूप में या प्रतिरोध के रूप में आ रही थी के रूप में आ रही थी आप अपने अपने प्रस्तुतिकरण के के बीच के अंदर आप उनको बता सकते हैं उन उन ऑब्जेक्शन उन 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 का आप जवाब दे सकते हैं और यदि जैसे कि यदि आपसे कोई प्रश्न आता है कि कि उनको एम एल एल एम के बारे में पता नहीं है और वो एम एल एम के बारे में जानना चाहते हैं उन्होंने कभी नहीं सुना है और यदि आप उस व्यक्ति को आप केवल और केवल एम एल एम के बारे में बताते रहेंगे तो नहीं परंतु आपको थोड़ा सा और गहराई से जाकर उनके प्रश्नों का उत्तर देना होगा ये थोड़ा सा एडवांस्ड है आधुनिक है परंतु मुझे लगता है कि कल आपको और चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी और अंततः केवल और केवल एक ही चीज है और वो लोग और उनको क्या चाहिए और हम लोग यहाँ पर उनकी सेवा के लिए मौजूद हैं और उसके बाद तालमेल बनाना एक 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 संबंध बनाना तो यहाँ पर ये आप एक दूसरे के साथ संबंध क्यों बनाते हैं ये तालमेल का क्या मतलब होता है इस संबंध का क्या मतलब होता है विश्वास जगाना कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो दोनों को दिलचस्प लगती हैं और यदि आप एक, एक कुछ सम विचारों को ढूंढना यदि आप सम विचार हो जाते हैं तो आप उनके साथ संबंध और उनको आप ज्यादा शीघ्र मना पाएंगे कई बार आपको अरमान ने भी बताया है कि उन्होंने अपनी अपनी जो पहली प्रस्तुतिकरण थे उन्होंने वो पांच पांच घंटे तक के लिए दिए थे और इसीलिए मुझे मालूम है कि हमारे पास वाकई में आप उनसे ये कह सकते हैं कि देखिए आपके और मेरे जो प्रश्न हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं मैं भी एक अतिरिक्त आय के स्रोत के लिए लिए अतिरिक्त आय के ढूंढ रहा था मैं भी नौकरी कर रहा था मैं भी संतुष्ट नहीं था मैं भी अपने जीवन को जीना चाहता था आप ही की तरह और तब आप एक प्रकार से आप एक विश्वास उनके साथ जोड़ लेते हैं और उसके बाद सारी चीजों को एक एक करके जोड़ देते हैं और ये पहली बार में नहीं होगा और वाकई में कोई मैं मुझे 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 लगता है कि ये मूर्खतापूर्ण बात होगी कि यदि मैं कहूं कि मैंने पहली बैठक के अंदर ही मैं इस कंपनी के साथ जुड़ गई थी जी नहीं छ महीने लगे छह महीने के तक मैंने मैंने प्रस्तुतिकरण किए लोगों के संदेश मेरे पास फोन पर आते थे और मैं कोल्ड से वार्म मार्केट में परिवर्तित हुई और फिर जब समय सही हुआ जब निर्णय लेने का समय था परंतु उस निर्णय लेने के समय तक पहुंचने के लिए मुझे छह महीने लगे तो इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप केवल और केवल तालमेल ना बिठाएं संबंध ना बनाए बल्कि साथ ही साथ आप ये भी करें कि आप जो हैं उनको उद्यमिता के बारे में बताएं एम के बारे में बताएं और आप ये भी जान लें कि ये उद्यमीयता और जो व्यवसाय जो है वो पहला कदम नहीं है बल्कि उससे पहले आपको बहुत सारे कदम लेने की आवश्यकता है सफलता की कि जो जो रहा है उसके ऊपर आपको कई कदम उठाने पड़ेंगे आप और ये ये एक समावेशीकरण होगा अच्छा बुरा सभी चीजों का और आप जो है आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप लोगों के साथ एक सकारात्मक रिश्ता बनाएं और यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप जो है अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे और यदि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं यदि लोग अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो एक संबंध एक तालमेल बिठाने की आवश्यकता है और ये बहुत जरूरी है कि जिन लोगों के साथ आप अपने सफर में मिलें उनको अपने साथ जोड़ पाए उनको प्रभावी रूप से जोड़ पाए आप चाहते हैं कि कि लोग आपके साथ चलते रहें वो खुले दिमाग के साथ आपके साथ जुड़े और वो वही करें जो आप बोल रहे हैं तो इसीलिए सुनने की जो कला है जो संबंध बनाने की कला है ये वो दो कारक हैं जो कि एक दक्ष संवाद के लिए बहुत आवश्यक हैं ये उस व्यंजन की रेसिपी की तरह हैं जो कि आपको चाहिए ताकि आपकी जो जो व्यंजन है वो बहुत अच्छे से बन सके वो स्वादिष्ट बन सके तो ये बहुत जरूरी है तो चलिए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि किस प्रकार से सक्रिय रूप से सुनने के क्या तरीके हैं क्या तकनीकें हैं तो यहाँ पर आइए थोड़ा सा हम लोग अभ्यास करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला जो है वो है चिंतन चिंतनशील सुनना तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप ध्यान से उनकी बात सुन रहे हैं और यदि उनके कोई प्रश्न है तो आप उसका उत्तर दे रहे हैं तो ये यहाँ पर स्पष्टता बनाने में आपकी मदद करते हैं कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमने जो सुना है वो उसके हिसाब से हम उत्तर देते हैं लेकिन जो व्यक्ति जो बोल रहा होता है और जो उसका 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 जो मतलब होता है वो बिल्कुल अलग होता है जैसे कि कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि पिछले पांच सालों से मैं वाकई में किसी व्यवसाय में नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं जो है थोड़ा सा परेशान था क्योंकि मेरे लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा था तो आप ये कहेंगे कि अगर मैं आपको सही समझ रहा हूं तो वो इसलिए आपने पिछले पांच सालों में अपना व्यवसाय इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि ये 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 तो अब आप क्या कर रहे हैं आपने वो संदेश उनको दोबारा सुना दिया कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप स्पष्ट रूप से उनको समझ पा रहे हैं और ये बहुत अच्छी तकनीकें हैं और आप जो है इनका प्रस्तुतिकरण के किसी भी चरण में इस्तेमाल कर सकते हैं परंतु विशिष्ट तौर पर जब आप लोगों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो व्यक्ति क्या बोलने की कोशिश कर रहा है क्या वो अगर ये व्यक्ति आपसे ये पूछ रहा है कि कि आपका प्रस्तुतिकरण तो बहुत अच्छा है तो आपको ये कहना है कि आप ये कह रहे हैं कि मेरा प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है नहीं नहीं आप ये ये नहीं करेंगे देखिए ये नहीं करेंगे आप तभी ये ऐसा करेंगे जब आपको लगता है कि आपको वाकई में किसी चीज के ऊपर और ज्यादा बोलने की आवश्यकता है किसी चीज के अंदर गहराई से जाने की आवश्यकता है और आपको इसके ऊपर बात करने की आवश्यकता है और यदि आप हर एक चीज के लिए पूछेंगे तो लोग आपको जो है वो आपको आपको समझेंगे नहीं बल्कि आपके ऊपर अविश्वास से देखेंगे दूसरी तकनीक है आप खुले प्रश्न पूछिए तो देखिए दो तरह के प्रश्न होते हैं बंद प्रश्न और खुले प्रश्न ओपन एंडेड प्रश्न और क्लोज क्वेश्चन तो जब आप पूछते हैं कि जिस प्रकार के प्रश्न आप पूछते हैं कि क्यों कैसे कब क्या, क्या हुआ तो जब आप ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो लोग आपको और ज्यादा जानकारी देते हैं तो जितने ज्यादा खुले प्रश्न आप पूछेंगे अपने प्रस्तुतिकरण के अंदर उतना ज्यादा आप आप ये जान पाएंगे कि आपके दर्शकों को की क्या चाहिए उसके बाद सहानुभूति दिखाना तो यहाँ पर आपको भावनाओं को आप बताएं कि आप उनकी भावनाओं को समझते हैं और साझा करते हैं तो कई बार लोग जो होते हैं वो वो बहुत संशय रूप से वो बहुत ही शक की नजर से आपको देखते हैं और आप ये कह सकते हैं कि देखिए मैं भी जब ऐसे शुरू हुआ था जब मैं जब मैंने पहली बार ऐसे प्रस्तुतिकरण के अंदर आया था तो, तो मुझे भी बहुत ज्यादा संशय था और अगर आप तो इस प्रस्तुतिकरण के अंत तक रहेंगे तो आपको ये आपके सारे के सारे जो आपके शक हैं वो 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 दूर हो जाएंगे आपके प्रश्नों का आपको उत्तर मिल जाएगा और ये सहानुभूति बहुत बहुत जरूरी है और यदि आपसे आपसे कह सकते हैं कि कि कोई कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि मेरे पास पांच बच्चे हैं और वो मेरा मेरा सिर खा जाते हैं और आप कहेंगे कि मैं बिल्कुल आपकी आपकी स्थिति को समझ सकता हूं क्योंकि मेरे अपने तीन बच्चे हैं लेकिन आप तो अकेले उन्हें संभाल रहे हैं ये वाकई में चिंता का विषय है तो 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 इसीलिए ये बहुत जरूरी है और यदि आप सहानुभूति नकली सहानुभूति दिखाते हैं तो ये आपके व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि जब आप थोड़े समय के बाद वो व्यक्ति आपको पहचान जाएगा तो आपको पता होगा कि वाकई में ये व्यक्ति जो है उसने झूठी सहानुभूति दिखाई है तो इसीलिए आप ऐसा कुछ मत कीजिए जहां पर आपको लगे कि ये आप नहीं है क्योंकि आज नहीं तो कल वो व्यक्ति को सही रूप आपका आप उनके सामने आई जाएगा उसके बाद आप जो है अपनी अपने आई कांटेक्ट रखें नजरों से नजरें मिलाएं और जब आप बात करते हैं और यदि आप अपनी आंखों को हर जगह देखते रहते हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये अविश्वास का निशान होता है तो आप कुछ छुपा रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है तो कोई व्यक्ति जो आपको देख रहा है और आप, और, आप और आपकी और आपकी प्रस्तुतिकरण को देख रहा है और आपकी आंखें हर जगह देख रही हैं तो वो संदेह में आ जाएगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और उसके बाद बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शरीर के हाव भाव का इस्तेमाल करना तो आपको मैं बता दूं कि देखिए जो आप उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं जो आपके जैसे होते हैं तो समान लोगों को आकर्षित करते हैं तो यदि कोई व्यक्ति जो है वो आ, आपकी तरह बैठता है आपके हाव भाव को जो है वो मिरर करता है वो बिल्कुल एक जैसा दिखाता है तो आप उसको उसको आप पसंद करने लगेंगे तो इसीलिए जब आप कोई प्रस्तुतिकरण करते हैं तब उस समय आप ऐसा कर सकते हैं उनके हाव भाव को आप आप मिरर कर सकते हैं और और ज्यादा भी मत कीजिएगा नहीं तो ऐसा लगेगा कि आप नकली रूप से ऐसा कर रहे हैं यदि कोई व्यक्ति आपको आपको मुस्कुराहट देता है तो आप उसको मुस्कुराहट वापिस दीजिए और यदि कोई व्यक्ति हाथों का इस्तेमाल करता है हाथों से हाथ भाव को प्रकट कर रहा है तो आप भी आप भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनकी उनकी जो जो पर्सनैलिटी है वो जो 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 प्रतिभा है वो उसी प्रकार है तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एक रिश्ता कायम रखने में आपको आपको मदद करेंगी और उसके बाद आप जो हैं आप अपने संचार कौशल को अभ्यास करने के लिए भूमिका या असली परिदृश्यों के बारे में बता सकते हैं और इसका अभ्यास कर सकते हैं और ये अभ्यास आप अपने दोस्त के साथ कर सकते हैं शीशे के साथ कर सकते हैं आप ऑनलाइन कर सकते हैं जूम के अंदर आप जो है चालीस मिनट मुफ्त में निशुल्क जो है आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने आप को आप अपने प्रस्तुतिकरण का रिकॉर्डिंग कीजिए और उसके बाद उसके स्वयं सुनिए और उसके बाद आप जो है किसी कंपनी से या कोई और व्यक्ति जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं उससे फीडबैक के लिए कहिए खास करके तब जब आप लोगों के साथ काम करने की, आ, की कोशिश कर रहे होते हैं देखिए बहुत बार ये आवश्यक होता है कि आप अपनी नजर से ना देखकर दूसरों की नजरों से अपने आप को देखें कुछ चीजों आपको बदलने की आवश्यकता होगी और छोटी छोटी चीजें यदि आप बदल देते हैं तो आपका संचार और प्रभावी हो जाता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेहतर हों अपने संचार को और लगातार रूप से बेहतर करते रहें तो तो ये छोटा सा छोटी छोटी चीजों का सारांश है कि सक्रिय रूप से किस प्रकार से आप सुन सकते हैं छोटी छोटी तकनीकें हैं यदि आप इनका इस्तेमाल करेंगे और यदि आप इनका रोजमर्रा में इस्तेमाल करेंगे आप साप्ताहिक इस्तेमाल करेंगे हर बैठक में इस्तेमाल करेंगे तो आपको बड़े बड़े नतीजे सामने आएंगे आइए अगली साइड पर चलते हैं तो जैसा कि मैंने आपसे मैंने आपसे वायदा किया था कि हम आपत्ति के प्रबंधन की भी बात करेंगे ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट टेक्निक्स की बात करेंगे तो तो यहाँ पर यदि हम उद्यमिता की बात करते हैं तो मैं आपको एक चीज मैं आपसे कहूंगी कि आप हमेशा याद रखिएगा कि ये आपत्तियां जो हैं ये आपके लिए हैं, ये आपत्तियां अच्छी हो सकती हैं ये आपकी मदद कर सकती हैं कि, कि आप अपने अवरोधों से पार उनसे सफलता प्राप्त कर सके चुनौतियों पर सफलता प्राप्त कर सके और यदि आपके प्रस्तुतिकरण के अंत में लोग आपसे प्रश्न नहीं पूछते हैं उनको आपत्ति नहीं होती है तो मुझे लगेगा कि शायद आपने जो है वो जो आपके दर्शक हैं, उन्होंने आपको नहीं समझा ये दर्शक जो हैं, वो आपके अंदर दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं और आपने सही तरह से उनको नहीं समझाया है मुझे याद है कि जब मैंने शुरू किया था तो मैं एक दिन के अंदर बहुत ज्यादा बैठकें करती थी और मैं ये दिन के अंत में गणना करती थी कि मुझे कितनी ज्यादा आपत्तियों का सामना करने पड़ा और ज्यादा आपत्तियों का मतलब ये हो सकता है कि ये जो व्यक्ति जिन्होंने आपत्ति उठाई थी वो दक्ष तरीके से मेरे भावी ग्राहक बन सकते हैं और यदि मैं इनकी तुलना उन बैठकों से करती हूं जहां पर कोई आपत्ति नहीं हुई उठी थी तो वहां पर मुझे मेरे व्यवसाय के लिए बहुत ज्यादा मुझे आसार नजर नहीं आए और आपको देखना होगा कि आपत्ति और प्रश्न में क्या अंतर यह समझना होगा देखिए आपत्ति ये होती है जहां पर आपके लोग कहते हैं कि देखिए यदि आप मुझे इस चीज को नहीं समझाएंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा प्रश्न होता है जब आप कोई सवाल पूछते हैं उसका उत्तर आपको चाहिए तो प्रश्न ऐसे हैं कि जो कि जो कि जो कि व्यक्ति जो है वो ज्यादा जानकारी जानने के लिए पूछते हैं लेकिन जो आपत्ति क्या है आपत्ति एक ऐसा अवरोध है जिसको आपको उनके रास्ते से हटाना होगा ताकि वो आगे बढ़ सके और आपको बताना होगा कि देखिए ये जो आप कह रहे हैं ये सही नहीं है या ये सही है क्योंकि इसलिए ये सही है तो आपको कई बार लोग जो है वो आपत्तियां इसलिए भी उठाते हैं क्योंकि उनको ऐसा प्रतीत होता है जी नहीं बल्कि वो इसलिए भी पूछते हैं क्योंकि वो आपकी प्रतिक्रिया को जानना चाहते हैं कि यदि आप इस प्रतिक्रिया यदि ये प्रश्न आपके पास आता है या आप इस परिस्थिति में होते हैं तो आप कैसे आप उसका उसके अंदर आप प्रतिक्रिया करेंगे और जब जब ऐसा होता है जैसे कि ब्रैड आप क्या मुझे ये बता सकते हैं कि इस समय आपको कौन से ऐसे कारक हैं जो रोक रहे हैं देखिए आप जो हैं इस समय बहुत सारी जैसे आप आप बहुत सारे आपत्तियां हैं आप मुझसे पूछ रहे हैं परंतु तो मैं उस मूल कारण के बारे में जानना चाहता हूं जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है तो अब आपको यहाँ पर जो है अः सच्ची और झूठी आपत्तियों के बीच में फर्क पता होना चाहिए साथ ही साथ हमारा काम यह भी है कि हम आपत्ति को दूर करने का पूरा प्रयास करें और हम लोगों को ये भी देखना है कि ये किसी प्रकार का अवरोध ना हो और ये एक ऐसा कौशल है जिसका हम लोगों को विकसित करना है बिल्कुल हमें इसमें महारत हासिल करनी होगी देखिए आप देखेंगे कि हम यदि आप प्रस्तुतिकरण करेंगे ज्यादा प्रस्तुतिकरण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपत्तियां कई बार एक जैसी आपत्तियां आती हैं तो जैसे कि यदि आप बात कर रहे हैं कि कि गेमिंग इंडस्ट्री का व्यवसाय किस प्रकार चल रहा है तो लोग आपसे पूछेंगे तो लोग जो है वो आपत्ति करेंगे कि कि क्या है और और यदि कोई आपके पास आपत्ति आकर वो बोलता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है मेरे पेट में दर्द क्यों होता है तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि, कि आपका ये विषय नहीं है तो इसीलिए आपको देखना है कि क्या आपत्ति जो पूछी जा रही है वो किस प्रकार से आपके क्षेत्र से संदर्भित है आपसे जुड़ी हुई है आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़े मेंटर जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है या रेफरल मार्केटिंग के अंदर अगर हम उनकी बात करते हैं और वो गोप्रो का प्रबंधन करते हैं और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से इस पद्धति का इस्तेमाल किया जा सकता है और ये किसी भी क्षेत्र में जीवन के किसी भी क्षेत्र में खास करके आपत्ति प्रबंधन के अंदर जैसे कि अगर आपका आपसे कोई पूछता है कि कोई जो जो आपत्ति है वो व्यवसाय को लेकर है वो ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि एमएलएम जो है वो सतत है यानी कि वो निरंतर चल सकता है और ये जो प्रश्न है मुझसे कितनी बार पूछा गया लाखों बार पूछा गया और ये तीन एफ की पद्धति का मैं इस्तेमाल करूंगी और मैं और आप कहेंगे कि जी हाँ मुझे मालूम है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उनके साथ जो है आप आप जानते हैं कि आप, आप उनको सहानुभूति दिखा रहे हैं तो आप अगर आप सीधा उनको कहेंगे कि और इस चीज को नहीं पहचानेंगे और सीधा उत्तर पे चले जाएंगे तो मुश्किल होगी तो वो आपके साथ कभी व्यवसाय नहीं करेंगे बल्कि वो आपके साथ कभी भी काम नहीं करेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि आपके और उनके बीच में कोई संबंध नहीं है यदि आप उनको ये कहेंगे कि जी हाँ मुझे समझ में आ रही है कि आपको कैसा लग रहा है मैं मानता हूं कि आप आप ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो क्यों पूछ रहे हैं आपको लगता है कि ये एम जो है वो वो निरंतर रूप से काम नहीं कर सकता है उसके बाद आप उन्हें बताएं कि आपने शुरू में भी ऐसा ही महसूस किया था और वो अकेले नहीं हैं और चीजें जो हैं वो बदल सकती हैं और जी हाँ मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आज जो इस कंपनी के अंदर लीडर्स हैं और उनको बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ जब उन्होंने अपना पहला कदम उठाया व्यवसाय के निर्माण के लिए और तीसरा कदम क्या है जब आप यहाँ पर ये बताते हैं कि उनको उन उनको उनके क्या नतीजे निकले उनको क्या मिला क्या वो मिला जो वो चाहते थे तो सबसे पहले महसूस करना कि हमें मालूम है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं उसके बाद आप कि हमारे लीडर्स ने भी इसी प्रकार महसूस किया और तीसरा कि जो लोग आज मिलेनियर बने हुए हैं वो क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से हुए हैं तो इसका मतलब ये उदाहरण है कि ये जो व्यवसाय है ये व्यवसाय आपके केवल मूल जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता बल्कि साथ ही साथ आपको एक अतिरिक्त आय भी दे सकता है जहां पर वो आपके सपने पूरा कर सकता है तो देख रहे हैं आपकी किस प्रकार से ये ये पद्धति चल रही है और ये तकनीक जो है क्या ये थोड़ी सी मुश्किल है याद रखने के लिए अगर हाँ तो एक दबाइए और नहीं तो दो दबाइए मुझे लगता है कि आप एक दबाएंगे आप इसको याद रख सकते हैं लेकिन इसको अभ्यास करना बहुत बहुत आवश्यक है ताकि आप इसका अभ्यास कर कर इसके साथ आप जुड़ सकें चीजों को प्रभावी बना सकें और इसका लिंक मैं आपको जरूर भेजूंगी तो जो लो, लोगों ने आपसे प्रश्न पूछा और यहाँ पर आ, हम लोग जो है वो बहुत ही गहराई से प्रशिक्षण कर रहे हैं पांच दिन है पांच कौशल हैं इनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और साथ ही साथ यदि आप इन इन कौशल के अंदर थोड़ा सा गहरा जाएंगे तो आपको अध्ययन करना होगा और साथ ही साथ हम लोग जो हैं इस अभ्यास को अपने समूह के साथ करते हैं क्योंकि अभ्यास करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है ये सारी तकनीकें जो हैं वो बहुत आसान है लेकिन अभ्यास की आवश्यकता है आप कुछ ऐसे चीजों के बारे में आप काम कर सकते हैं आप उन आपत्तियों के बारे में बात कर सकते हैं जो कि आपके एमएलसीआई के सफर में आपको आई और उसके बाद आप उसका उस उसके बाद आप एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह उसको पहनकर हमेशा अपने प्रस्तुतिकरण के अंदर जा सकते हैं और देखिए अगर अगली बार कोई प्रस्तुतिकरण के अंदर अगर वो जा रहे हैं और आपके पास ये प्रश्न आता तो आप ये नहीं कहेंगे अरे छोड़िए इस प्रश्न को आपको ये नहीं पता कि कितने लोग कितने लीडर्स जो हैं वो मिलेनियर बन चुके हैं जी नहीं देखिए आपको उदाहरण देना होगा आपको कंपनी के उदाहरण देना होगा आपको लोगों को ये नहीं प्रतीत कराना होगा कि वो कितने मूर्ख हैं जी नहीं बिल्कुल नहीं और आप जब उनको जवाब दें तो लोगों को ऐसे महसूस होना चाहिए अरे वाह ये तो सही कह रहे हैं आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं तो ये अभ्यास की आवश्यकता है और जब आप तीन एफ विधि का इस्तेमाल करते हैं जब आप इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जहां पर आप आपत्ति का प्रबंधन करते हैं तो उसका नतीजा यही होना चाहिए कि जब लोग प्रस्तुतिकरण के अंत के अंदर जब आपसे पूछते हैं तीन चार प्रश्न पूछते हैं आप उसका उत्तर देते हैं तो वो संतुष्ट होते हैं और वो आपके साथ कार्य करने के लिए तैयार हैं और ये बहुत जरूरी है और साथ ही साथ आप लोगों को वो विकल्प भी दिखा रहे हैं जो कि उनको अच्छी शिक्षा की तरफ ले जा रहा है और आप उनको एक विकल्प दे रहे हैं कि जो इतनी मेहनत कर रहे हैं अपनी नौकरी के अंदर नौ से पांच में तो आप एक विकल्प दे रहे हैं आप उनको सपने पूरे करने का रास्ता दिखा रहे हैं मौके दिखा रहे हैं जो कि एमएलसीआई उनके लिए लेकर आ सकता है इस विधि का इस्तेमाल कीजिए इसको आप जरूर अनुभव कीजिए अभ्यास कीजिए ये बहुत बहुत जरूरी आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं तो माफी चाहूंगी कि आ, हमारे पास समय का अभाव है तो ये जो उदाहरण है मैं चाहूंगी कि कि आ, आप इसकी फोटो ले लीजिए और आ, मुझे मैंने तीन आपत्तियों की बात की है जो कि सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं और आ, जैसे कि मुझे बेचना पसंद नहीं है और आ, मेरे सफर के अंदर लोगों ने बहुत सारी चीजें मुझसे पूछी और वो कहते हैं कि ये तो बिक्री क्या है मैं मुझे, मुझे बेचना पसंद नहीं है मैं नहीं बेच सकती हूँ दूसरी आपत्ति आती है कि मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि हमेशा लोगों के दिमाग में ये होता है कि यदि मुझे कोई व्यवसाय शुरू करना है तो मुझे 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 पैसे की आवश्यकता है मुझे पूंजी की आवश्यकता है ये ठीक बात है व्यव पारंपरिक व्यवसाय में ये ऐसा है यदि आप किसी किराने की दुकान खोलना चाहते हैं सैलून खोलना चाहते हैं तब उसके लिए आपको मशीनरी खरीदनी पड़ती है परंतु एमएलसीआई के अंदर ऐसा नहीं है ये एक ऐसा व्यवसाय है आप आप जो है शून्य से शुरू कर सकते हैं शून्य पूंजी से शुरू कर सकते हैं आपको वाकई में उत्पाद खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है यदि आप उस व्यवसाय के अंदर पैसा उस व्यवसाय से पैसा कमा सकते हैं और ये वाकई में महान बात है क्योंकि क्योंकि का उन लोगों के लिए जो आपत्ति करते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है तो उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा एक विकल्प है जो आप आप दे रहे हैं एक शून्य प्रतिशत जोखिम है जो आप दे रहे हैं तीसरा मेरे पास समय नहीं है और ये भी बहुत आम है और बहुत बार लोग आपसे ये कहेंगे कि देखिए मेरे पास समय नहीं है या मेरे पास बच्चे हैं मेरे पास कुत्ता है मेरे पास मेरी मेरी अपनी नौकरी है तो मेरे पास समय नहीं है तो ये शीर्ष तीन आपत्तियां हैं और इन तीन एफ के विधि के साथ मैंने आपको बताया कि आप किस प्रकार से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने उदाहरण भी ले सकते हैं और आपत्ति का प्रबंधन कैसे करना आप सीख सकते हैं क्योंकि लोग लोगों से ही खरीदते हैं और जब ऐसा करते हैं तो आप वाकई लोगों को विकल्प देते हैं तो अगर आप देखेंगे कि आ, हम लोगों हम 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 लोगों को हमारे स्पॉन्सर बुलाते हैं हम हम लोगों से अपने स्पॉन्सर से हम लोग उनका अनुभव लेते हैं हम किताब पढ़ते हैं तो हम अपना अनुभव लेते हैं लेकिन जब आप अभ्यास करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है मैं प्रस्तुतिकरण के बारे में बोल सकते लेकिन जब मैं प्रस्तुतिकरण करूंगी तभी मुझे पता होगा मुझे देखिए और हर एक का प्रस्तुतिकरण का तरीका अलग है आर्मान्स का अलग है शैरन का अलग है मेरा अलग है क्योंकि अंततः हम लोग अलग हैं और हम लोग इस कंपनी में रहकर बहुत ज्यादा अभ्यास करते हैं प्रस्तुतिकरण के लिए ताकि हम लोग सही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें और उस संदेश को लोगों तक तो पहुंचा सकें जो हम पहचानना चाहते हैं पहुंचाना चाहते हैं तो यदि कोई लोग खालिद के प्रस्तुतिकरण के अंदर होंगे तो वो बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे यदि वो अरमान्स के प्रस्तुतिकरण में होंगे तो और ज्यादा उत्साहित होंगे तो हम लोग अलग हैं और हमारे आसपास भी बहुत सारे अलग अलग लोग हैं और इसीलिए ये व्यवसाय लोगों के लिए है लोगों द्वारा है और लोगों के लिए है और ये हम लोगों को सभी के लिए, सभी की कहानियों की आवश्यकता है हम लोगों को इस विश्व को दिखाने की आवश्यकता है कि हम लोग वाकई में बहुत महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अंतर लेकर आ सकते हैं आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं इससे आइए हम लोग थोड़ा पीछे चलिए तो तो यहाँ पर आ, रोल प्लेज हैं ये यानी कि आपको भूमिका निभाने वाले पारिदृश्य और फीडबैक तो आप इसको ग्रह कार्य होमवर्क के रूप में ले सकते हैं अपने परिजन के साथ अपने दोस्तों के साथ आपको दस या पंद्रह मिनट ही लगेंगे और आ, ये पारिदृश्य हैं और इन पारिदृश्यों को आप अभ्यास जरूर कीजिए संचार आ, जरूर विकसित कीजिए आप साथ ही साथ इससे सीखेंगे कि किस प्रकार से आप फीडबैक जो है वो आप सकारात्मक तरीके से ले सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं तो ये जो अभ्यास है ये आपको ये भी बताएगा कि किस प्रकार से आप एक फीडबैक दे भी सकते हैं तो थोड़ा सा ये उन्नत और लीडरशिप स्तर का ये है और इसीलिए मैं इसको रोल प्ले के रूप में रखना चाहती हूँ परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मददगार सिद्ध हो सकता है तो आप जो है किसी के साथ भी ये कर सकते हैं अपने घर में अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं और अगले प्रस्तुतिकरण के अंदर हम हम करेंगे और किसी भी और किसी भी उदाहरण को आप ले सकते हैं ये एक व्यवसायिक स्थिति हो सकती है या ये कहानी बताने की कला हो सकती है जो कि आप व्यवसाय के बारे में बताना चाहते हैं जहां पर आपको पता चला कि फीडबैक देना क्यों महत्वपूर्ण है और इन पांच कदमों का इस्तेमाल करते हुए आप फीडबैक जरूर दीजिए तो आप बहुत स्पष्ट रूप से बहुत ही सटीक रूप से आप जो है फीडबैक दे पाएंगे और आप ये जान पाएंगे कि किस प्रकार के नतीजे आपको निकले आपको अपने फीडबैक के अंदर बहुत संतुलित रहना होगा ना कि ज्यादा नकारात्मक ना कि ज्यादा सकारात्मक तो ये बहुत जरूरी है और ये फीडबैक संतुलित होनी चाहिए और तीसरा निष्पक्षता के साथ बिना किसी भेदभाव के साथ होनी चाहिए तो आप जो है आप अपने व्यक्तिगत निर्णय मत सुनाइए और आप ये मत कहिए अरे आप तुमने फिर कहानी शुरू कर दी कहानी मत दीजिए ऐसे मत बोलिए ये फीडबैक देने का सही तरीका नहीं है तो आपको वाकई में निष्पक्षता के साथ आपको फीडबैक देने की आवश्यकता है उनके बर्ताव के ऊपर आप फीडबैक दीजिए व्यक्ति को फीडबैक मत दीजिए और साथ ही साथ आप जो है आप उनको बताइए कि वो किस प्रकार से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं उनका मार्गदर्शन कीजिए उनको वो बताइए वो वो बिंदु दीजिए जो कि कार्यवाही करने योग्य हों तो, तो आप ये कह सकते हैं कि आप किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं तो इस प्रकार आप बेहतर बन कर सकते हैं तो आप जो कर रहे हैं वो क्या गलत कर रहे हैं तो ये सारी की सारी चीजें उनको बताइए किस क्षेत्र के अंदर उनको बेहतर करने की आवश्यकता है और अंततः समय पर दीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक हफ्ते के बाद उनको फीडबैक दे रहे हैं और उसको आप बिल्कुल समय पर दीजिए यदि आपसे कोई व्यक्ति फीडबैक मांग रहा है तो समय निकालिए और समय निकालिए और साथ ही साथ एक सटीक फीडबैक दीजिए इन पांचों कदमों का आप जब करेंगे फीडबैक इन पांचों आ, इन इन पांचों बिंदुओं का आप ध्यान रखेंगे और अभ्यास करेंगे तो आप जो है यकीनन जो फीडबैक देने की जो कला है उसके अंदर जरूर माहिर हो जाएंगे और साथ ही साथ जो है ये आपकी विशेषता बन जाएगी और साथ ही साथ फीडबैक कैसे लेनी है ये भी लेने की आवश्यकता है आप कैसे फीडबैक लेनी है ये भी सीखने की आवश्यकता है तो जब आपके पास समय हो तो आप जरूर रोल प्ले कीजिएगा अभ्यास कीजिएगा और आपको बहुत अचंबा होगा कि फीडबैक के अंदर लोग आपको क्या क्या बोल सकते हैं आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और ये है गृह कार्य की स्लाइड और ये हमारी अंतिम स्लाइड होगी गृह कार्य के लिए तो आपको चार गृह कार्य करने हैं तो सबसे पहले आप अपना जो जो गृह कार्य है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर साझा कीजिए जिसके और कल ही हम लोगों ने इस ग्रुप को साझा किया है तो सबसे पहले आपको दो अलग अलग दर्शकों के लिए आपको सेल्स पिच बनानी है तो जैसे कि आपके पास आपके आपके भावी ग्राहक आपके सामने हैं दो अलग अलग तरह के ग्राहक हैं एक ग्राहक इस प्रकार है जैसे कि एक ऐसे ग्राहक हैं जो कि पैकेज खरीदना चाहते हैं और वो आपके साथ ग्राहक बनना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से अपने प्रस्तुतिकरण को शुरू करेंगे आप ऐसे कौन से संदेश हैं जो उनको देना चाहेंगे और दूसरा जो आपके व्यवसायिक पार्टनर बन सकते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ व्यवसाय करना चाहता है तो आप उनको क्या संदेश देने वाले हैं किस लहजे से बोलने वाले हैं दूसरा कहानी का उपयोग करें ताकि लोगों का लोगों को फायदा हो सके एम के उत्पाद और उसके अवसर के बारे में तो जब आप गृह कार्य बिंदु एक कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि Emmanuel, आपके पास एक अच्छी कहानी होनी चाहिए और एक अच्छी कहानी जो है वो आपको और प्रभावी बनाएगी तो ये चाहे आपका व्यवसाय हो सकता है किसी और का व्यवसाय हो सकता है हमारा व्यवसाय हो सकता है तो आपके पास जो जानकारी है वो जानकारी तभी हो हो सकता है कि किसी विशिष्ट व्यवसाय के लिए आपके पास कहानियां ना हो तो इसीलिए जरूरी होता है कि आप पहले अपनी अपनी कहानी के बारे में बताएं दूसरा कहानी उन लोगों के बारे में बताएं जो आपकी संस्था के अंदर काम करते हैं और तीसरा उन लोगों के बारे में उदाहरण दें जो कि आपसे और आपकी संस्था से बाहर के हैं उसके बाद पांच सामान्य आपत्तियों की सूची बनाएं और आप किस प्रकार से उनका प्रबंधन करने वाले हैं तो आपको क्या लगता है कि वो ऐसे सामान्य वो कौन से सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली आपत्तियां हैं और चौथा ग्रह कार्य है कि आप एक प्रतिभागी के साथ जोड़ी बनाएं उसके बाद रोल प्ले करें जो कि पिछली साइड के ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया था ये बहुत महत्वपूर्ण था जहाँ पर दो तीन लोग मिलकर इस चीज का अभ्यास करें आप रोल प्ले करें नाटकीय रूपांतरण करें और उसके बाद आप फीडबैक लें और फीडबैक दें यह आपके एम करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उद्यमीयता का किसी भी कैरियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से फीडबैक को आपको देना है जो कि संदेश देने के एक स्तर ऊपर है परंतु बहुत महत्वपूर्ण है तो आप फीडबैक के साथ जब आप फीडबैक देंगे और जब आप फीडबैक लेंगे तो आपके सुनने के कौशल जागृत होंगे लोगों के ऊपर आप विश्वास करेंगे लोग आप पर विश्वास करेंगे और जब विश्वास करेंगे तभी तो आप लोगों से फीडबैक को लेंगे और देंगे तो ये ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप सबसे ज्यादा बेहतरीन जो है नतीजे आप इस अभ्यास से प्राप्त कर सके तो चलिए आइए अब अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर आपने आज जो है अपने एक नए कौशल की चाबी आपने प्राप्त की है और एक और संचार का पिटारा खुला है और वो है प्रभावी संचार का पिटारा तो तो हम लोग पांच कौशलों को हम लोग जो है इस पिटारे को खोलेंगे और ये सुनहरी डब्बे दिख रहे हैं लेकिन पांचवें दिन के अंत तक आपके पास सारी चाबियां होंगी इन संदूकों की चाबियां होंगी इन बक्सों की चाबियां होंगी और एम एल सी आई शुरुआती स्तर पर आप पूर्ण रूप से प्रभावी रूप से से आप कार्य कर पाएंगे और मैंने आज भी बहुत कुछ सीखा तो बहुत बहुत धन्यवाद है तो मैं जरूर आपके साथ टेलीग्राम चैट पर मिलूंगी आप जरूर अपने टेलीग्राम चैट के ऊपर अपने गृह कार्य भेजिए संवाद करेंगे मजा आएगा और कल आपसे फिर भेंट होगी एक नए कौशल के साथ एक नए दिन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ ये सत्र आज का यहीं समाप्त हुआ आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपसे यहीं विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम आपसे जब मिलेंगे अगली अगली बार मिलेंगे